नमस्कार साथियों आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग समसामायिक चक्र जो 2022 हज़ार आई हुई है और करेंट अफेयर्स के लिए उसके बारे में बात कर रहे हैं और याद रखिए करेंट अफेयर्स आपकी हर परीक्षा में महत्वपूर्ण रहता है और आप देखेंगे अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं फिर चाहे आप लोग सिविल सर्विस की बात कर लीजिए या स्टेट पीसीएस की बात कर लीजिए स्टेट पी कहता हूँ तो आप देख लीजिए या करिएगा का यू पी हो गया बिहार पी हो गया राजस्थान पी हो गया छत्तीसगढ़ पी हो गया और मध्य प्रदेश पी हो गया इस तरह के तमाम स्टेट अपना पी करवाते हैं एग्जाम और आप देखते हैं कि तमाम वन डे एग्जाम भी तो होते रहते हैं जैसे आप देखेंगे राज्य स्तर पर स्टेट लेवल पर आपका दरोगा एस आई, पुलिस शिक्षक भर्ती और आप देखते होंगे सेंट्रल लेवल पर एस बैंक रेलवे इस तरह के एग्ज़ाम होते रहते हैं तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा मुझे लगता है कि सिविल सर्विस और स्टेट पी वालों को बड़ा इंतज़ार रहता है इस बुक्स का और जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि कुछ सालों से हम लोग इस बुक्स को कवर भी कर रहे हैं लगातार है। तो जब भी ये बुक्स आती है और मुझे मालूम चलता है आप लोग बताते हैं तो इस बुक्स को मंगवा लिया जाता है और ऑनलाइन भी मंगवा लिया जाता है और आप देखिए कि आप लोगों के लिए कवर करवाया जाता है और इससे क्या रहे कि उन लोगों को फ़ायदा मिल सके जिनके पास ये बुक्स नहीं पहुँच पा रही किसी कारण से यही उद्देश्य रहता है और जैसे फायदा मिलना अच्छी बात है उसमें नुकसान क्या है तो अभी तक हमने देखा होगा राष्ट्रीय परिदृश्य देख चुके हैं विधिक परिदृश्य पर पर भी हम लोग विस्तार से बात किए हुए हैं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी देख चुके हैं आज हम बात करेंगे आर्थिक परिदृश्य के बारे में और इसमें हम लोग केंद्रीय बजट देखेंगे आर्थिक समीक्षा देखेंगे राष्ट्रीय आय पर बात करेंगे मुद्रा बैंकिंग कृषि उद्योग विदेशी क्षेत्र विश्व अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण मुद्दे जो भी रहे इस तरह की तमाम टॉपिक इसमें इस क्लास में कवर किए जाएंगे और आप देखेंगे कि 2021 और अभी तक 2022 में जो भी घटनाएं घटी है, है उन सब पर बात करेंगे ठीक है आप देखेंगे राजकोषीय घटनाक्रम देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग और रैंप योजना ये क्या है और इस तरह की कोई योजना आती है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखा करिएगा उससे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है तीस मार्च कब तेईस मार्च दो हज़ार बाईस को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एम एस एम ई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और गति प्रदान करने के पर 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर छः करोड़ रुपए को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है एक बात और यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को देखिए इस तरह का संगठन का अगर उल्लेख होता है विश्व बैंक हो गई आपकी यू हो गई डब्लू हो गया डब्ल्यू एच ओ हो गया तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा और आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि कम से कम आप लोग चार से पाँच साल पुराने क्वेश्चन पेपर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके जरूर देखिएगा आप लोग और आप देखेंगे संगठनों से हर साल आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ल्ड बैंक की बात करें विश्व बैंक की तो जुलाई उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डी में देखने को मिलेगा यूएसए में वित्त वर्ष दो हज़ार से प्रारंभ इस योजना की अवधि पाँच वर्ष यानी कि 2021 हजार से 2025-26 है और इस योजना पर कुल व्य छः करोड़ रुपये यानी कि 808 मिलियन डॉलर का है जिसमें से सैंतीस करोड़ रुपये 50 मिलियन डॉलर विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होगा और शेष तेईस यानी कि दो करोड़ रुपये यानी कि तीन मिलियन डॉलर की, की, की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाएगी और इसे इसे विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया है और रैंप विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना विश्व बैंक से प्राप्त सहायता को निम्नलिखित संकेतकों को पूरा करने हेतु व्यय किया जाएगा राष्ट्रीय एम एस ई एम एस एम ई सुधार एजेंडे को लागू करने में एम एस एम ई क्षेत्र के केंद्र राज्य सहयोग में तेजी लाने में प्रौद्योगिकी उन्नयन योजनाओं की, योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने में एम एस एम ई के लिए प्राप्त वित्त पोषण बाजार को मजबूत करने में सूक्ष्म व लघु उद्योग तथा ग्रीनिंग एंड जनरल डिलीवरी के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट की प्रभावशीलता बढ़ाने में विलंबित भुगतान की घटनाओं को कम करने में इसका एक तरह से व्यय किए जाएंगे ये पैसे सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यमों में सुधार एवं मजबूती हेतु यूके सिन्हा समिति के वी कामत समिति और प्रधानमंत्री की अधिक सलाहकार परिषद द्वारा सिफारिश दी गई थी एक और क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं आपसे पूछ लेगा कि जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं इनमें सुधार और मजबूती के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था इनसे संबंधित कौन सी समिति है तो यूके सिन्हा समिति है और केवी कामत समिति भी है इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा फिर आप देखेंगे कि रैम्प योजना का उद्देश्य एमएसएमई कार्यक्रम से जुड़े संस्थानों और शासन को मजबूत करना बाजार और रेड तक एमएसएमई की पहुंच को बेहतर करना केंद्र राज्य संबंधों और साझेदारी को बेहतर करना

बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया है ये आप देखिए बाईस तेईस के लिए है किसके लिए बाईस तेईस के लिए है और आपको मालूम भी होगा क्या मालूम होगा कि देखिए आर्थिक जो समीक्षा आती है वो पिछले साल की आती है और बजट होता है अगले साल के लिए होता है अब आप आप देखिए बजट पिछले साल के लिए कैसे हो सकता है ऐसा तो है नहीं कि पिछले साल के लिए खर्च कर दें हम और कैसे खर्च करें तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा बजट के बारे में और इसमें अगर आप देखें तो प्रस्तुत बजट में कुल उनतालीस दशमलव पैंतालीस लाख रुपए का व्यय और उनतालीस दशमलव पैंतालीस लाख करोड़ रुपए की प्राप्तियां अनुमानित हैं अनुमान लगाया जा रहा है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक आप लोग देखते हैं ना तो उसमें डायरेक्ट बजट की बात नहीं की गई बजट शब्द नहीं गई एक किसी आप देखिए एक तरह से वित्तीय वार्षिक विवरण की बात की गई है उसी बजट हम लोग और इसी तरह कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों में पचपन दशमलव अठासी प्रतिशत हिस्सा राजस्व प्राप्त का है जबकि शेष चवालीस दशमलव बारह प्रतिशत हिस्सा पूंजीगत प्राप्तियों का और उपयुक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत सरकार की न लौटाने योग्य प्राप्ति जिसे आय भी माना जा सकता है पचपन दशमलव अठासी प्रतिशत है जबकि अनुत्पादक व्यय अस्सी दशमलव अंठानवे प्रतिशत है ऐसे भारत में घाटी की स्थिति तो स्वाभाविक रहेगी ही क्या रहेगी स्वाभाविक वो तो हर बार रहती है आप सभी जानते हैं राजकोषीय घाटा वर्ष दो हजार के तेईस के बजट में सोलह दशमलव इकसठ लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो इस वर्ष की अनुमानित जीडीपी का छः दशमलव चार प्रतिशत है दो हज़ार बाईस तेईस हेतु अनुमानित भारत का राजकोषीय घाटा विगत वर्ष के संशोधित अनुमान पंद्रह दशमलव इक्यानवे लाख करोड़ रुपए की तुलना में लगभग सत्तर दशमलव ग्यारह हजार करोड़ रुपये अधिक है और राजस्व घाटा वर्ष दो हजार बाईस तेईस हेतु विस्तृत बजट में नौ दशमलव नब्बे लाख करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित है जो वर्ष दो हज़ार बाईस तेईस हेतु अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का तीन दशमलव आठ प्रतिशत है और प्रभावी राजस्व घाटा वर्ष दो हज़ार बाईस तेईस के बजट अनुमान में प्रभावी राजस्व घाटा जी डी पी का टू पॉइंट सिक्स प्रतिशत अनुमानित है जो पूर्व वर्ष में इसके संशोधित अनुमान से लगभग आप देखेंगे एक दशमलव अठहत्तर लाख करोड़ रुपए कम है और प्राथमिक घाटा आप देखेंगे तो प्राथमिक घाटा वर्ष दो हज़ार बाईस तेईस में जी डी पी का मात्र टू पॉइंट एट प्रतिशत अनुमानित किया गया है या पिछली वर्ष आपके संशोधित प्राथमिक घाटी की तुलना में लगभग छप्पन दशमलव पचहत्तर हजार करोड़ रुपए कम है और यहां आप देखिए व्यय के संगठक हो गए और प्राप्ति के स्रोत हो गए यानी कि खर्च जहां होना है और प्राप्त होना है जहाँ तो बजट दो हजार इसमें आप देखेंगे पेंशन चार व्यय अन्न में नौ परसेंट केंद्रीय प्राजित योजना में नौ परसेंट केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में पंद्रह परसेंट ब्याज अदायगी बीस परसेंट सबसे ज्यादा हमें देना है रक्षा क्षेत्र में आठ परसेंट आर्थिक सहायता आठ परसेंट वित्त आयोग और अन्य वितरण दस परसेंट करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा सत्रह परसेंट प्राप्तियों के स्रोत देख लीजिए आप लोग ब्याज सबसे ज्यादा हो रहा है ब्याज अदायगी पर और आप देखेंगे ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ दो परसेंट उधारों और अन्य देताए पैंतीस परसेंट निगम कर पंद्रह परसेंट आयकर पंद्रह परसेंट और सीमा शुल्क पाँच परसेंट केंद्रीय उत्पाद शुल्क सात परसेंट वस्तु एवं सेवा कर जिसे जी जीएसटी कहते हैं सोलह परसेंट कर विभिन्न तो तो शामिल तो नहीं है कुल प्राप्तियों में करों शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है आंकड़ों को पूर्ण काल पूर्णांकित किया गया है ब्याज भुगतान देख लीजिए वर्ष बजट 2022-23 में ब्याज भुगतान हेतु लगभग नौ दशमलव इकतालीस लाख करोड़ रुपए अनुमानित हैं जो वर्ष 2021-22 के बजट के अनुमान आठ आठ दशमलव एक लाख करोड़ रुपए से लगभग सोलह दशमलव सत्तर प्रतिशत है जबकि उसी वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग पंद्रह दशमलव उनसठ प्रतिशत अधिक है और विगत वर्षों में भुगतान ब्याज भुगतान राशि में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है बढ़ोतरी की दो हजार के लिए प्रमुख मदों पर व्यय करोड़ रुपये में पेंशन पर आप देखेंगे एक खर्च किया जाएगा व्यय पेंशन में आप देखेंगे ए आपका दो लाख सात हज़ार एक सौ बत्तीस करोड़ रुपए करोड़ में है ठीक है और रक्षा क्षेत्र में आप देखेंगे तीन लाख पचासी हज़ार तीन सौ सत्तर करोड़ रुपए शिक्षा में एक लाख चार हज़ार दो सौ अठहत्तर करोड़ रुपए ऊर्जा में चार लाख माफ माकरी उनचास हज़ार दो सौ बीस करोड़ रुपए कितना ऊर्जा क्षेत्र में ठीक है और आप देखेंगे स्वास्थ्य में छियासी हज़ार छः सौ छः करोड़ रुपये गृह में एक लाख सत्ताईस हज़ार बीस करोड़ रुपए और आप देखें ब्याज में चौ ब्याज में आप देखेंगे नौ लाख चालीस हज़ार छः सौ इक्यावन करोड़ रुपए देख रहे हैं आप लोग ग्रामीण विकास में दो लाख छः छः हज़ार दो सौ तिरानवे करोड़ रुपए सामाजिक कल्याण में इक्यावन हज़ार सात सौ अस्सी करोड़ रुपये राज्यों को अंतरण ये तीन लाख चौंतीस हज़ार तीन सौ उनतालीस करोड़ रुपए परिवहन में तीन लाख इक्यावन हज़ार आठ सौ इक्यावन करोड़ रुपए शहरी विकास में सात छिहत्तर लाख माफ करीब छिहत्तर हजार सात सौ छिहत्तर हजार पाँच सौ उनचास करोड़ रुपए और इस तरह से कुल योग देखें तो उनतालीस लाख चवालीस हजार नौ सौ नौ नौस करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा खर्च किया जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार डायरेक्ट ठीक है और बजट अनुमान दो हजार बाईस तेईस में प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन योजना का नाम हो गया और ये संशोधित अनुमान हो गया 2021 हज़ार बाईस का और वास्तविक अनुमान हो गया 2022 हज़ार बाईस तेईस का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चौंतीस हज़ार नौ सौ सैंतालीस करोड़ रुपये में और देखेंगे आप लोग यहाँ वास्तविक अनुमान 2022 हज़ार बाईस तेईस के लिए सैंतीस सौ सै तीन हज़ार माफ करिए सैंतीस हज़ार आठ सौ करोड़ रुपये जल जीवन भी मिशन ये पैंतालीस हज़ार ग्यारह करोड़ रुपये यहाँ साठ हज़ार करोड़ रुपये राष्ट्रीय शिक्षा मिशन तीस हज़ार सात सौ छियानवे और यहाँ उनतालीस हज़ार पाँच सौ तिरपन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चौदह हज़ार यहाँ उन्नीस हज़ार पी एम किसान सड़सठ हज़ार पाँच सौ यहाँ अड़सठ हज़ार पाँच सौ अब किसान प्रधानमंत्री किसान वो आता है ना उसकी पैसे दो छः हज़ार रुपये दो दो हज़ार की किस्तों में तीन आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पाँच हज़ार और यहाँ चौंसठ सौ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चौहत्तर सौ और दस हज़ार और आप देखेंगे कर टैक्स देख लीजिए क्या देख लीजिए कर टैक्स देख लीजिए इसमें आप देखेंगे सकल का राजस्व जीडीपी का दस दशमलव सात प्रतिशत प्रत्यक्ष कर जीडीपी का पांच दशमलव पांच प्रतिशत और अप्रत्यक्ष कर जीडीपी का पांच दशमलव दो प्रतिशत और बजट अनुमान 2022-23 में सकल कर सत्ताईस दशमलव अंठावन लाख करोड़ रुपये है जिनमें प्रत्यक्ष कर आप देखेंगे इक्यावन दशमलव दे उनचास प्रतिशत आप्रत्यक्ष कर अड़तालीस दशमलव इक्यावन प्रतिशत और शीस तीन राजस्व कर राजस्व देखेंगे वस्तु एवं सेवा कर सात दशमलव अस्सी करोड़ रुपये और निगम कर आप देखेंगे सात दशमलव दे दो लाख करोड़ रुपये आयकर सात लाख करोड़ रुपये राज्यों के हस्त को हस्तांतरित ये आप देखेंगे आठ दशमलव सत्रह लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि छः दशमलव चार हजार करोड़ शुद्ध कर आय उन्नीस दशमलव पैंतीस यहाँ ऊपर कुछ पॉइंट दिए गए फिर आते हम लोग नीचे देख लीजिए बजट घोषणा दो हजार में एक फरवरी दो को प्रस्तुत बजट में भारत ऐट द रेट सेवेंटी फाइव से भारत एट द रेट हंड्रेड तक के अमृतकाल अगले पच्चीस वर्ष में अर्थव्यवस्था को दिशा देने हेतु बुनियादी ढांचा तैयार करने और उनकी रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया गया वर्तमान में देश में अमृत महोत्सव आज़ादी का पचहत्तरवा वर्ष मनाते हुए अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और पच्चीस वर्षों की लंबी यात्रा के द्वारा के बाद देश भारत एट द रेट पचहत्तर से भारत एट द रेट हंड्रेड पर पहुंचेगा और भारत द दृष्टि दृष्टिकोण का निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 2021-22 के अवसर पर किया गया था और 2020 से में देश की आर्थिक वृद्धि दर 9.2 अनुमानित है और आप देख रहे हैं कोरोना महामारी ने काफी हद तक आर्थिक वृद्धि को भी प्रभावित किया है अमृतकाल के लक्ष्य सूक्ष्म आर्थिक स्तर पर समग्र समावेशी कल्याण पर बल देते हुए आर्थिक विकास प्रौद्योगिकी जनित विकास ऊर्जा संक्रमण और जलवायुपरक कार्यों को प्रोत्साहन निजी निवेश से प्रारंभ होकर बहुतायात सार्वजनिक पूंजी निवेश तक चलने वाला सद चक्र और आप देखेंगे सब्सिडी इसमें अगर आप देखें कुल सब्सिडी ए संशोधित अनुमान 2021-22 में ये आपको मालूम होना चाहिए कितना है चार लाख सत्तासी हज़ार आठ सौ इकहत्तर दशमलव बयासी करोड़ रुपए और ये आप देखेंगे सत्ताईस दशमलव दस प्रतिशत की कमी और आप इतने यहाँ देखेंगे तो छियानवे दशमलव तैंतालीस प्रतिशत खाद्य उर्वरक पेट्रोलियम एवं ब्याज भुगतान पर खर्च किए गए वास्तविक अनुमान अनुमानित एक तरह से आप देखिए दो हज़ार बाईस तेईस के ये तीन लाख पचपन हज़ार छः सौ अड़तीस दशमलव इकसठ करोड़ रुपये खाद मद सब्सिडी अंठावन दशमलव सोलह प्रतिशत यूरिया सब्सिडी सत्रह दशमलव आप देखेंगे अठहत्तर प्रतिशत पोषण आधारित सब्सिडी ग्यारह दशमलव इक्यासी प्रतिशत एल पी जी सब्सिडी एक दशमलव तिरसठ प्रतिशत सरकार सब्सिडी देखती है ना उसी की बात कर रहे हैं बजट में बजट में विकास को प्रोत्साहन करने हेतु चार प्राथमिक निर, प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं जो इस तरह हैं चार प्राथमिकताओं में आप देखिए पी एम गतिशक्ति समावेशी विकास उत्पादकता उत्पादकता संवर्धन और निवेश उदयमान अवसर ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पर निवेश का वित्त पोषण और सबसे पहले पी एम गतिशक्ति सात इंजनों यथा सड़क रेलवे एयरपोर्ट्स पतन सार्वजनिक परिवहन जलमार्ग एवं लॉजिस्टिक संरचना से संचालित और देश की बात करें तो विश्वस्तरीय आधुनिक अवसंरचना तथा तो लॉजिस्टिक क्रिया का विकास सड़क परिवहन की देखें तो आप देखेंगे 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में पच्चीस किलोमीटर अतिरिक्त जोड़ना सार्वजनिक संसाधनों की संपूर्ण संपूर्ण हेतु वित्त पोषण के नवोनिवेशी तरीकों से दो बी करो, बीस हजार करोड़ रुपए जुटाना और वर्ष 2022-23 बाईस तेईस में पीपीपी पी मॉडल के तहत चार स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तैयार करना फिर रेलवे में, में देखें तो एक रेलवे स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाना कवच का क्षेत्र देखें तो विगत तीन वर्षों के दौरान नई पीढ़ी की चार वंदे भारत का विकास करना और विनिर्माण करना विगत तीन वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए सौ पी गतिशील कार्गो टर्मिनल समावेशी विकास में देख कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण वर्ष दो राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में घोषित एक सौ लाख किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपये के एम का भुगतान रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन प्रथम चरण में गंगा नदी से सटे पाँच किलोमीटर के दायरे में कृषि भूमि पर विशेष ध्यान देना किसानों की सहायता हेतु किसान डोंस का प्रयोग और इस पर काफी जोर दिया जा रहा है सम्मिश्रित पूंजी से कोष की स्थापना सम्मिश्रित पूंजी कोष को नाबार्ड से सहायता कैन लिंक परियोजना एवं अन्य आप देखेंगे चवालीस हजार छः सौ पाँच करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कैन लिंक परियोजना लगभग नौ दशमलव एक लाख हेक्टर कृषि भूमि की चाहिए और ये भी आप देखेंगे और आपको देखने को मिलेगा कि इसमें 103 मेगावाट हाइड्रो एवं 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन वर्ष 2021-22 में आवंटित तैंतालीस करोड़ रुपए और आप देखेंगे बाईस तेईस में आवंटित आप देखेंगे चौदह करोड़ रुपए वास्तविक तो हैं संभावित हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम अवधि बढ़ाकर तेईस मार्च दो तक करना गारंटी का दायरा आप देखेंगे पचास हज़ार करोड़ से बढ़ाकर पाँच लाख करोड़ रुपए करना कैरेट केड़, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज का पुनरुद्धार इसके माध्यम से एम को दो लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त और 2022 हज़ार से रेचिंग एंड एक्सलरेटिंग एम एस एम एस सी परफॉर्मेंस प्रोग्राम की क्रियान्वयन पाँच वर्षों में 600 करोड़ रुपये का परिवहन इसमें गुणवत्ता वृद्ध शिक्षा और कौशल विकास कौशल एवं कौशल एवं आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम का क्रियान्वयन ड्रोन शक्ति की सुविधा प्रदान करने तथा ड्रोन एज ए हेतु स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना वन क्लास वन टी चैनल कार्यक्रम का बारह से बढ़ाकर दो सौ चैनल का तक विस्तार स्वास्थ्य की बात करें हेल्थ की तो नेशनल डिजिटल हेल्थ इको सिस्टम का क्रियान्वयन गुणवत्ता गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श की एवं देखभाल हेतु नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का क्रियान्वयन एकीकृत एक ढांचा मिशन शक्ति मिशन वात्सल तथा सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 का वर्ष 2022 हज़ार में स्वास्थ्य सेवाओं हेतु बजटीय आवंटन सक्षम या आप देखेंगे बीस करोड़ रुपये पीएम पोषण दस हज़ार दो सौ चौंतीस करोड़ रुपए मिशन बातशल ये आप देखेंगे एक हज़ार चार सौ बहत्तर करोड़ रुपए मिशन शक्ति तीन हज़ार एक सौ चौरासी करोड़ रुपए समावेशी कल्याण हर घर हर नल से जल इसमें आप देखेंगे दो हज़ार बाईस तेईस में तीन दशमलव आठ करोड़ परिवारों को कवर करना दो हज़ार बाईस तेईस में छ यहाँ देखेंगे साठ हज़ार करोड़ रुपये का आवंटन और पीएम आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण इसमें वर्ष 2023 हज़ार तेईस में 80 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा करना और 2022-23 में आप देखेंगे अड़तालीस हज़ार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया पी इन, आई एने, आई एने, आ, है पी एम देव एन आई एन ई आई एन ई उत्तर पूर्व में आवश्यकता आधारित अवसरचना और सामाजिक विकास हेतु 2022-23 में 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए डिजिटल पेमेंट्स अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा पचहत्तर जिलों में पचहत्तर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना और उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश उद्दीमान अवसर ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य और उत्पादक संवर्धन एवं निवेश इसमें कारोबार सुगमता टू पॉइंट जीरो का क्रियान्वयन राइट टू नो की जगह नीड टू नो के सिद्धांत का पालन विश्वास आधारित शासन और भू दस्तावेजों के आईटी आधारित प्रबंधन हेतु यूनिक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दो हज़ार में घरेलू उद्योगों से क्षेत्र हेतु अड़सठ पूंजीगत ग्रय बजट दो हज़ार में अंठावन प्रतिशत और आप देखेंगे कि जीवन की सुगमता के दूसरे चरण का क्रियान्वयन और इसमें आप देखें तो विश्वास आधारित शासन वर्ष दो हज़ार में एम्बेडेड चिप के साथ ई पासपोर्ट जारी किया कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में संक्रमण उच्च प्रभावी मॉड्यूलों के विनिर्माण हेतु उत्पादन से बड़ी जुड़ी प्रोत्साहन योजना हेतु उन्नीस हजार पाँच सौ करोड़ रुपए का आवंटन का प्रस्ताव और थर्मल पावर संयंत्रों में पाँच से सात प्रतिशत बायोमास फ्लैट को जलाने का प्रस्ताव अड़तीस एम AM, एम टी कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का अनुमान फिर आप देखेंगे कि निवेश का वित्तपोषण पूंजी परिव्यय की प्राथमिकता वर्ष दो हज़ार में सात दशमलव पचास लाख करोड़ रुपये करोड़ रुपये का आवंटन पैंतीस दशमलव चार प्रतिशत की वृद्धि और जीडीपी का दो दशमलव नौ प्रतिशत वर्ष दो हज़ार में पाँच दशमलव चौवन लाख करोड़ रुपये का आवंटन था प्रभावी पूंजी पूंजीगत व्यय वर्ष दो हज़ार तेईस में दस दशमलव अड़सठ लाख करोड़ रुपए का आवंटन जीडीपी का चार दशमलव एक प्रतिशत और संसाधनों को जुटाना हरित अवसरचना के संसाधनों हेतु ग्रीन बॉन्ड्स उदयीमान क्षेत्रों के लिए मिश्रित वित्त सरकार का योगदान बीस प्रतिशत दो हजार बाईस तेईस में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपये का रुपये का संचालन राज्यों को और अधिक वित्तीय गुंजाइश प्रदान करना पूंजीगत निवेश निवेश हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता योजना के तहत वर्ष योजना के तहत वर्ष दो हज़ार में आप देखेंगे वास्तविक अनुमान दस हज़ार करोड़ रुपये और दो हज़ार में ये संशोधित अनुमान पंद्रह सौ करोड़ रुपये और सभी निवेशकों को प्रेरित करने हेतु राज्यों की सहायता के लिए वर्ष दो हज़ार में एक लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन पंद्रह वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष दो हज़ार तेईस में राज्यों की जी डी जी एस के चार प्रतिशत राजकोषीय घाटी की अनु, अनुमति जिसमें जीरो दशमलव पांच प्रतिशत विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित है कर प्रस्ताव एक आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये आंकड़े कैसे याद होंगे एक दो बार पढ़िएगा आराम से बड़े दिमाग फ्री रख के हो जाएगा सब गलतियों को ठीक करने हेतु तो करदाताओं को दो वर्ष के भीतर अद्यतन रिटर्न दायर करने की अनुमति राज्य सरकार के कर्मचारियों के एन खाते में कर्मचारियों की कर कटौती सीमा को दस प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रति चौदह प्रतिशत करना विकलांग व्यक्तियों के लिए कर में राहत सरकार सहकारी समितियों के लिए अठारह दशमलव पाँच प्रतिशत की वैकल्पिक न्यूनतम दर कर दर को पंद्रह प्रतिशत करना सहकारी समितियाँ जिनकी आय एक से दस करोड़ रुपये तक है कि वर्तमान अधिभार दर बारह प्रतिशत में कमी करते हुए सात प्रतिशत करना कर संबंधित प्रोत्साहन देने के लिए आपात स्टार्टअप्स को शामिल करने की अवधि मार्चार्ड 2022 में वृद्धि और मार्चांच दो हजार तक आभासी परिसंपत्ति के अंतरण से होने वाली आय का पर तीस परसेंट तीस प्रतिशत का कर निगमित विनिर्माण कंपनियों को धारा 115 सौ खा का खा यानी कि 115 सौ बी ए बी के तहत विनिर्माण या उत्पादन के आरंभ करने की अंतिम तिथि मार्चांच 2023 में वृद्धि मार्चांच 2024 तक ए पी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स पर अधिकार अधिभार सैंतीस परसेंट की सीमा से कम करके पंद्रह प्रतिशत करना आय या लाभ आय या लाभ पर लगने वाले किसी भी सरचार्ज उपकर को व्यापार व्यापारिक व्यय भ्याप ना करना और हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर अधिभार की उच्चतम सीमा पंद्रह प्रतिशत राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति दो का उद्देश्य वर्ष दो तक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन दोगुना करना और पूंजीगत वस्तुओं और परियोजनाओं परियोजना आयो आयातों में रियायती दरों को धीरे धीरे समाप्त करना और सात दशमलव पाँच प्रतिशत की आसान टैरिफ दर लागू करना रतन एवं आभूषण क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु कांटे एवं तराशे गए हीरे एवं रतन पत्थरों पर सीमा शुल्क पाँच प्रतिशत छा चा, छात्रों पर शुल्क वृद्धि करते हुए बीस प्रतिशत करना अनवेलडेड ईंधन पर एक अक्टूबर दो से दो रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क का क्रियान्वयन करना तो ये आप देखिए बजट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए आपके चलिए हम लोग आर्थिक समीक्षा देख लेते हैं 2021-22 की। तो आप देखिए वित्तीय वर्ष 2021-22 की आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा 31 मार्च 31 जनवरी 2022 को संसद में प्रस्तुत किया गया और प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा का मूल विषय थीम अत्यधिक अनिश्चितता की इस स्थिति में नीति निर्माण के लिए कला और विज्ञान तथा इसकी केंद्रीय विषय वस्तु है और चुस्त दुरुस्त दृष्टिकोण आप लोगों को इसकी थीम भी याद रखना चाहिए हो सकता है कि पूछ ले आपसे और यह है आर्थिक आर्थिक समीक्षा हाल के वर्षों में दो खंडों से सिमट एक खंड में हो गई है और आंकड़ों को दर्शाने वाली तालिकाओं को एक अलग खंड में रखा गया है क्या किया गया रखा गया है और आर्थिक समीक्षा 2021-22 दो हजार केवस्था की लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आठ से साढ़े अनुमानित है जो विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर हेतु अनुमानित आंकड़े क्रमशः आठ दशमलव सात प्रतिशत और सात दशमलव 5% के अनुरूप है और आप देखिए दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभाव पड़ा है कोरोना का और हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो पहले कोरोना से पहले ही आप देख रहे हैं डगमगा रही थी जनवरी 2022 में जारी आईएमएफ की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 -2022, एवं 2022-23 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी 9% की दर से और वर्ष 23-24 में 7.1% की दर से वृद्धि का अनुमान है और ये आंकड़ा भारत को इन तीन वर्षों में वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में पेश करता है वित्त वर्ष दो हज़ार इक्कीस में कृषि की वृद्धि दर आप देखेंगे तीन दशमलव छः प्रतिशत दर्ज की गई जबकि वर्ष दो हज़ार की फर्स्ट आप देखेंगे तीन दशमलव नौ प्रतिशत अनुमानित थी और आप देखेंगे वित्त वर्ष दो हजार के दौरान उद्योगों और सेवा क्षेत्र में क्रमशः ग्यारह दशमलव आठ प्रतिशत तो और आठ दशमलव दो प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है जबकि वर्ष दो हज़ार में यह वृद्धि दर क्रमशः सात या माइनस सात दशमलव जीरो और प्रतिशत और माइनस सात आठ दशमलव चार प्रतिशत थी तो आप देख रहे हैं कोरोना का महामारी का प्रभाव पड़ा है ये आप देखेंगे सकलमूल जी बी ए में क्षेत्र बार हिस्सेदारी प्रतिशत में ये आप देखेंगे क्षेत्र हो गया और दो हज़ार उन्नीस और दो हज़ार और दो हज़ार कृषि और समृद्ध क्षेत्र अठारह दशमलव चार हो गया बीस दशमलव दो हो गया और आप देखेंगे कि दशमलव आठ हो गया उद्योग का देखेंगे तो छब्बीस दशमलव सात पच्चीस दशमलव पांच अट्ठाईस दशमलव दो खनन और, और उत्खनन का एक दशमलव नौ एक दशमलव छः, दो दशमलव तीन विनिर्माण का चौदह दशमलव सात चौदह दशमलव चार पंद्रह दशमलव चार बिजली गैस पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं दो दशमलव छह दो दशमलव सात दो दशमलव निर्माण क्षेत्र हो गया आपका ये सात दशमलव चार सात दशमलव दो आठ दशमलव जीरो और सेवाएं में पचपन दशमलव जीरो तिरपन दशमलव नौ तिरपन दशमलव जीरो सेवा क्षेत्र सबसे आगे देख रहे हैं व्यापार होटल परिवहन संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं अठारह दशमलव नौ ये सोलह दशमलव चार और सोलह दशमलव नौ वित्तीय रियल इस्टेट और पेशेवर सेवाएँ इक्कीस दशमलव दो बाईस दशमलव एक और बीस दशमलव नौ तो ये भी आप लोग याद रखिएगा क्या करना है याद ही रखना है और क्या एक से दो बार पढ़िएगा और निकल जाइएगा लोक प्रशासन रक्षा सेवाएं चौदह दशमलव चार पंद्रह दशमलव दो मूल की जीवी है ये सौ टोटल हो गया ये और ये आप देखेंगे फर्स्ट ए आर आई आर ई लिखा है ना प्रथम संशोधित अनुमान हो गए पी जहाँ लिखा है अंतिम अनुमान हो गए और फर्स्ट ए ई जिथे लिखा है ना वहां आप देखें प्रथम अग्रिम अनुपात हो गया इसके लिए इसीलिए आप लोगों से बोलते हैं कि एन आप लोग दो से तीन बार पढ़ लीजिए कम से कम क्या रहेगा कि आप लोग बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगे और एक एक शब्द को आप लोग समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है और अब आप देखिए कि कभी हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो पुराने उन शब्दों की परिभाषा थोड़ी जानने लगेंगे इतना टाइम कहाँ है आपके पास पिती व्यक्ति नेबल राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमतों पर वर्ष दो हजार में आप देखें पंद्रह एक और स्थिर कीमतों पर आप दो हजार में तिरानवे हजार नौ सौ तिहत्तर रुपये वृद्धि दर सोलह दशमलव सात पी सा, वृद्धि दर इसमें आप देखेंगे कि आठ दशमलव चार प्रथम अग्रह अनुमान स्टार का मतलब ये है एक बात और बता दूं देखिए औसत निकाला जाता है आप देखते हैं हमारे देश में किसी के पास पैसा है तो इतना है कि उसके पास एक तरह से आप देख रहे हैं कि भयंकर पैसा है एक तरह से आप कह दीजिए और जिसके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं कुछ आदमी के पास लेकिन औसत निकाला जाता है तो सभी को शामिल करके उसमें निकाला जाता है तो इसलिए आप देखते हैं कि ये आ जाता है वरना आप सोचिए कि आपको लगता है किसी की आय तो आप देखिए पूरे साल की पचास हज़ार हो वो बड़ी बात होती है बीस हज़ार हो वो बड़ी बात होती है कई बेरोजगार गाँव में देखने को मिल जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में खाने के लाले पड़े रहते हैं शहरों क्षेत्र में देखेंगे सकल घरेलू बचत जी के प्रतिशत के रूप में वर्तमान बाजार की कीमतों पर दो हज़ार में तीस पर तीस दशमलव छः परसेंट घरेलू क्षेत्र इसमें उन्नीस दशमलव तीन निजी क्षेत्र आप देखेंगे कि दस दशमलव छः और सार्वजनिक क्षेत्र जीरो दशमलव सात 2019-20 उन्नीस बीस में इकतीस दशमलव चार घरेलू क्षेत्र उन्नीस दशमलव छह निजी क्षेत्र सात दशमलव दस दशमलव सात और सार्वजनिक एक दशमलव एक हजार बीस इक्कीस के टॉप पर कौन सा बना हुआ है एक क्वेश्चन पूछ लेता है ये फसल हो गया प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर चावल में आप देखिए पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मिलियन टन में है सोलह दशमलव सोलह दशमलव पैंसठ ये उत्तर प्रदेश दूसरे पर पंजाब तीसरे पर देखिए अगर आपको याद रख सकते हैं तो एक एक आंकड़े रख लीजिए वरना आप देखिए मुझे नहीं लगता है कि मिलियन टन में पूछा जाएगा कि पंजाब कितना है हो सकता है कि अगर पूछ ले तो आप लोग याद रखिएगा लेकिन पहले वाले को जरूर आप लोग याद याद रख सकते हैं गेहूँ में उत्तर प्रदेश पैंतीस दशमलव पचास टन के साथ मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर पंजाब तीसरे पर मक्का कर्नाटक पाँच दशमलव अंठावन पाँच दशमलव अठारह मिलियन टन मध्य प्रदेश दूसरे महाराष्ट्र तीसरे कुल मोटे अनाज में राजस्थान पहले आठ दशमलव तैंतीस मिलियन टन कर्नाटक दूसरे महाराष्ट्र तीसरे अरहर तुर महाराष्ट्र एक दशमलव अट्ठाईस टन के साथ पहले नंबर पर कर्नाटक दूसरे तेलंगाना तीसरे और कुल दालें आप देखेंगे मध्य प्रदेश पांच दशमलव तीस मिलियन टन और राजस्थान दूसरे महाराष्ट्र तीसरे तो चावल में पश्चिम बंगाल पहले गेहूं में उत्तर प्रदेश मक्का में कर्नाटक मोटे अनाज में कुल में राजस्थान अरहर तुर में महाराष्ट्र कुल दालें में मध्य प्रदेश आपका एम ठीक है तो ये भी आप लोग और आप देखेंगे चना में मध्य प्रदेश आपका महाराष्ट्र दूसरे राजस्थान तीसरे कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश पहले मध्य प्रदेश दूसरे और पंजाब तीसरे मूंगफली में गुजरात पहले राजस्थान दूसरे तमिलनाडु तीसरे रेपसीड और सरसों में राजस्थान पहले मध्य प्रदेश दूसरे और हरियाणा तीसरे सोयाबीन में महाराष्ट्र पहले मध्य प्रदेश पहले दूसरे और राजस्थान तीसरे देखिए महाराष्ट्र मध्य प्रदेश पिछड़ गया है बट आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ होता था लेकिन इस बार आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में हो रहा है तो इस पॉइंट को जरूर रखिएगा याम पी वालो याद कोलहन तेलहन में राजस्थान पहले महाराष्ट्र दू, दूसरे मध्य प्रदेश तीसरे गन्ना में उत्तर प्रदेश पहले महाराष्ट्र दूसरे कर्नाटक तीसरे कपास में आप देखेंगे महाराष्ट्र महाराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र पहले गुजरात दूसरे और तेलंगाना तीसरे जूट और मिस्ता में आप देखें पश्चिम बंगाल पहले बिहार दूसरे और असम तीसरे आंकड़े आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आंकड़े जी संस्करण से लिए गए हैं और एट द रेट मतलब बराबर 170 किलोग्राम की गांठें मिलियन में और आप देखें डॉलर एक तरह से 180 किलोग्राम ग्राम की गांठ मिलियन में ये आप लोग याद रख सकते हैं सी से आयात की वस्तुएं यानी कि हम लोग आयात कौन सी कर रहे हैं आयात का मतलब होता है कि खरीद रहे हैं हम लोग कुछ ठीक है वस्तुएं हो गई ये दो हजार उन्नीस बीस और अप्रैल नवंबर दो हजार इक्कीस बाईस ये पीतीस हिस्सेदारी में पेट्रोलियम क्रूड इक्कीस और पंद्रह दशमलव एक उन्नीस दशमलव दो स्वर्ण में पाँच दशमलव नौ आठ दशमलव आठ और आठ दशमलव सात पेट्रोलियम उत्पाद में आठ दशमलव नौ पांच दशमलव नौ छह दशमलव तीन मौती की चार दशमलव सात चार दशमलव आठ पांच दशमलव इसमें आप देखेंगे ब्रिकेट चार दशमलव सात चार दशमलव एक और चार दशमलव नौ और आयात की दृष्टि से शीर्ष पांच देश चीन से आप देखेंगे देश हो गया प्रतिशत हिस्सेदारी में अप्रैल नवंबर दो हजार इक्कीस बाईस के चीन पंद्रह दशमलव पाँच परसेंट हम लोग आयात करते हैं सबसे ज़्यादा एक तरह से खरीद रहे हैं कुछ चीज़ें सऊदी अरब अमीरात से आप देखेंगे सात दशमलव तीन तो चाइना पे आप देख रहे हैं हमारी बहुत निर्भरता है और संयुक्त सा, राज्य अमेरिका सात दशमलव दो परसेंट के साथ तीसरे नंबर पर सऊदी अरब ए पाँच दशमलव जीरो परसेंट के साथ चौथे इराक चार दशमलव नौ के साथ पाँचवें स्थान पर हम लोग चाइनीज सामानों का बहिष्कार करते रहते हैं लेकिन फिर भी आप देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग उसी देश से खरीद रहे हैं निर्यात की दृष्टि से शीस पांच देश यानी कि हम लोग किसी को कुछ बेच रहे हैं देश हो गया हिस्सेदारी हो गई 2021-22 में अप्रैल संयुक्त राज्य अमेरिका अठारह चार परसेंट संयुक्त अरब अमीरात छह दशमलव छह चीन पांच दशमलव नौ बांग्लादेश तीन दशमलव पांच हॉन्गकोंग दो दशमलव आठ और याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका को हम लोग सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं कुछ सामान शीस निर्यात की वस्तुएं देख लीजिए ये आप देखिए प्रतिशत हिस्सेदारी में हो गया पेट्रोलियम उत्पाद तेरह दशमलव दो हजार उन्नीस बीस हो गया इक्कीस बाईस बीस इक्कीस इक्कीस बाईस अप्रैल नवंबर तक ए आप पेट्रोलियम उत्पाद तेरह दशमलव दो फिर आठ दशमलव आठ और चौदह दशमलव नौ पत्थर की छह दशमलव छः दशमलव दो छः दशमलव आठ और लोहे इस्पात आप देखिए तीन दशमलव जीरो चार दशमलव दो छः दशमलव जीरो ड्रग्सन एंड बायोलॉजिकल पांच दशमलव एक छह दशमलव दो दशमलव चार दशमलव सात सॉरी एवं अन्य कीमती धातुओं की चार दशमलव चार दो दशमलव तीन दो दशमलव आठ ये भी आपको देखने को मिलेगा फसलों के उत्पादन क्षेत्रफल और उत्पादकता ये आप लोग देखिएगा उत्पादन मिलियन टन में हो गया सकल क्षेत्र मिलियन हेक्टर में और प्रति हेक्टर पैदावार किलोग्राम हेक्टर में खाद्यान्न हो गए दालें चावल गेहूँ ज्वार मक्का मूंगफली गन्ना कपास तो इसे आप लोग याद रखिएगा और इनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना कम ही रहती है लेकिन फिर भी आप लोग याद रख सकते हैं कितनी दालें समझ रहे हैं उत्पादन मिलियन टन में सकल क्षेत्र हेक्टर है और कितनी हेक्टर है पैदावार ऐसे अगर आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिए मुझे लगता है ठीक है ए गन्ना तीन सौ सत्तर मिलियन टन में और खाद्यान्न दो सौ संतानवे दशमलव पाँच मिलियन टन चालें दालें तेईस मिलियन टन चावल एक सौ अठारह दशमलव नौ मिलियन टन गेहूँ एक सौ सात दशमलव नौ मिलियन टन और उत्पादन ज्वार चार दशमलव आठ मिलियन टन मक्का अट्ठाईस दशमलव आठ मिलियन टन मूंगफली दस दशमलव जीरो मिलियन टन गन्ना आप देख ही चुके हैं कपास छत्तीस दशमलव एक मिलियन टन बाकी अब बात करते हैं पी एम एम पी एम राष्ट्रीय मास्टर प्लान की इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्यों नहीं पूछे जाए बहुस्तरीय संपर्क हेतु राष्ट्रीय मास्टर प्लान पी एम शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रेलवे एवं सड़क मार्ग मंत्रालय सहित सोलह मंत्रालयों को एक मंच प्रदान करता है पीएम गति शक्ति को भास्कराचार राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान अनुप्रयोग भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित इसरो एमेजरी के साथ विभिन्न प्रौद्योगिकियों से भी जोड़ा जाएगा और पीएम आप देखें पीएम गति शक्ति माश्ट, राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुभारंभ इसका तेरह अक्टूबर दो को प्रदान की गई थी और मंजूरी प्रदान की गई थी शुभारंभ इसका तेरह अक्टूबर 2021 को हुआ मंजूरी प्रदान की गई थी इक्कीस अक्टूबर 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने घोषणा पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पंद्रह अगस्त 2021 के शुभ अवसर पर हुई और कुल व्यय इसमें लगभग सौ लाख करोड़ रुपये होगा और केंद्रित थे देश के नागरिकों उद्योगों और विनिर्माताओं किसानों तथा गाँवों पर राष्ट्रीय मास्टर प्लान पी गति शक्ति के क्षय आधार स्तंभ है व्यापकता प्राथमिकता अधिकतम उपयोग सामंजस्यीकरण क्या सामंजस्यीकरण और विश्लेषणात्मक गतिशीलता पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत कार्यान्वयन तथा निगरानी एवं समर्थन तंत्र हेतु संस्थागत ढांचे की त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई गई है इसमें जो निम्न है सचिवों का अधिकतर प्राप्त समूह नेटवर्क योजना समूह तकनीकी सहायता समूह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता जो वर्तमान में अठा सतासी दशमलव सात गीगावाट को बढ़ाकर वर्ष 2024-25 तक आप देखेंगे 225 सौ गीगावाट करना और 2024-25 तक देश की बिजली उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा किया जाना फार्बर ट्रांसमिशन नेटवर्क का उन्नतीकरण करते हुए वर्तमान के लगभग चार लाख सर्किट किलोमीटर से वर्ष 2024-25 तक लगभग चार लाख सर्किट किलोमीटर तक करना और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उद्योगों के लिए प्रमुख मार्ग मांग एवं आपूर्ति केंद्रों को जोड़ने के लिए सत्रह हजार किलोमीटर लंबी ट्रंक ट्रंक पाइपलाइन बढ़ाकर वर्ष 2024 तक 24-25 तक कुल लंबाई चौंतीस हजार पाँच सौ किलोमीटर करने और दो तक सभी राज्यों को ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा राष्ट्रीय मौद्रिक पाइपलाइन एन एम भी काफ़ी चर्चा में थी तेईस अगस्त 2021 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्री निर्मला सीतारमन द्वारा श्रीमती स... मतलब निर्मला सीतारमन द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन खंड एक और खंड दो का शुभारंभ किया गया जो केंद्रीय मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की, मुद्री की पाइपलाइन है और आप देखेंगे यह पाइपलाइन नीति आयोग द्वारा अवसंरचना से संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विकसित की गई है जो केंद्रीय बजट दो हजार इक्कीस के तहत परिसंपत्ति मुद्रीकरण से जुड़े अधि देश पर आधारित है और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत वित्तीय वर्ष 2022 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025 तक की चार वर्ष की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के माध्यम से कुल छह दशमलव जीरो लाख करोड़ करोड़ रुपये की मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया इसमें यह अनुपात अनुमानित मूल्य केंद्र द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के अंतर्गत प्रस्तावित परिवय तैंतालीस लाख करोड़ रुपये का लगभग चौदह प्रतिशत है जिसमें आप देखेंगे बारह से ज्यादा संबंधित मंत्रालय और बीस से ज्यादा संपत्ति श्रेणियाँ शामिल हैं और मूल्य के आधार पर आप देखेंगे वार्षिक चरण के संदर्भ में जीरो दशमलव अठासी लाख करोड़ रुपए के अनुमानित मूल्य वाली पंद्रह प्रतिशत संपत्तियों को वित्त वर्ष दो हजार में जारी करने की कल्पना की गई है और अनुमानित मूल्य के अनुसार को कुल पाइपलाइन मूल्य शेष पांच क्षेत्रों की हिस्सेदारी निम्न है सड़क आप देखेंगे ये हिस्सेदारी हो गई सत्ताईस परसेंट रेलवे पच्चीस परसेंट बिजली पंद्रह परसेंट और आप देखेंगे तेल और गैस पाइपलाइन ए आठ परसेंट दूर संचार ए परसेंट और वित्त वर्ष दो से दो के लिए मुद्रीकरण पाइपलाइन करोड़ों रुपये में सड़कें हो गई समय अवधि हो गई वर्ष चार वर्ष ये 2022 से 2025 दूर संचार करोड़ में तो ये आप लोग तो याद रखिएगा रेलवे ये सड़कें आप देखिए एक लाख साठ हजार दो सौ करोड़ रुपए और रेलवे आप देखिए एक लाख बावन हजार बावन हज़ार चार सौ छियानवे करोड़ रुपए बिजली पारसे पारेसन ए पैंतालीस हज़ार दो सौ करोड़ रुपए बिजली उत्पादन उनतालीस हज़ार आठ सौ बत्तीस करोड़ रुपए नेचुरल गैस पाइपलाइन चौबीस हज़ार चार सौ बासठ करोड़ रुपए और आप देखेंगे उत्पादन उत्पाद पाइपलाइन अन्न ए बाईस हज़ार पाँच सौ चार करोड़ रुपये ये समझ रहे हैं आप लोग कुल राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन रुपये चार छः दशमलव जीरो लाख करोड़ ए वी आर हाउसिंग आप देखेंगे इसमें अट्ठाईस करोड़ रुपए खनन में अट्ठाईस करोड़ रुपए ओडियन क्षेत्र में बीस करोड़ रुपए बंदरगाह में बारह करोड़ रुपए स्टेडियम इस इस इसमें आप देखेंगे शहरी रियल एस्टेट 15,000 करोड़ इसमें आपका 22,504 करोड़ रुपए अन्न उत्पादन और उत्पाद पाइपलाइन अन्न और स्टेडियम ग्यारह करोड़ रुपए तो ये भी आप लोग याद रखिएगा प्रमुख नीतिगत जो दस्तावेज है ना और घटनाक्रम है उन्हें भी देख लीजिएगा ये भी काफ़ी जरूरी रहते हैं तो मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022 23 को देखिए 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्ति दा शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति एम द्वारा मौद्रिक नीति वक्तव्य दो हज़ार जारी किया गया है समिति द्वारा जारी इस मौद्रिक नीति वक्तव्य में चल निधि समायोजन सुविधा के तहत नीतिगत दरों में वृद्धि करते हुए इसे पूर्व के स्तर चार परसेंट से चालीस आधार अंक बढ़ाकर चार दशमलव चालीस प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया और स्थायी जमा सुविधा दर जिसे आप लोग एस डी एफ आर कहते हैं आठ अप्रैल दो हजार बाईस की विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार अनुरूप स्थायी जमा सुविधा का परिचालन तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और स्थायी जमा सुविधा दर चल निधि पर समायोजन सुविधा को रिडोर के आधार पर फिलो के रूप में स्थिर रिवर्स रेपो दर की जगह लेगा और स्थायी जमा सुविधा दर नीतिगत रेपो दर से 25 आधार अंक कम होगी और पात प्रतिभागी नियत दर तथा ओवर ओवरनाइट आधार पर आर के पास जमा राशि रख सकते हैं क्या कर सकते हैं रख सकते हैं मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी नीतिगत दरें देख लीजिए आरक्षित अनुपात सी आर आर चार परसेंट एस एल आर दशमलव जीरो जीरो परसेंट आधार दर सात दशमलव पच्चीस से आठ दशमलव अस्सी परसेंट बचत जमा दर दो दशमलव सात सत्तर परसेंट से तीन परसेंट तक नीतिगत दरें अगर आप देखें तो रिपो दर चार दशमलव चालीस परसेंट जमा स्थायी जमा सुविधा दर 4.15 चार दशमलव पंद्रह परसेंट स्थिर रिवर्स रिपो दर तीन दशमलव पैंतीस परसेंट बैंक दर चार दशमलव पैंसठ परसेंट ए एम एस एफ रेट चार दशमलव पैंसठ परसेंट और याद रहे 2014 की मैं उर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट में स्थायी जमा सुविधा दर की सिफारिश की गई थी और जो 8 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति का हिस्सा बनी है और स्थायी जमा सुविधा का एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत अधिशेष तरलता निकालने के लिए किसी भी प्रकार की जमानत की आवश्यकता नहीं होती है और जब बैंकों को अल्प अवधि के लिए धन की आवश्यकता होती है तो आर से रेपो रेट का पर उधार लेते हैं जिसके उनके लिए उन्हें सरकारी प्रतिभूतियाँ गिरवी रखनी पड़ती है यानी कि गिरवी रखोगे तभी तो कुछ मिलेगा और इसी प्रकार जब बैंकों के पास अधिक राशि होती है तो वे आर में रिवर्स रेपो रेट पर जमा कर देते हैं यहाँ भी सरकारी प्रतिभूतियाँ जमानत का काम करती हैं और एच इसी प्रकार की सुविधा है लेकिन इससे इसमें किसी जमानत की आवश्यकता नहीं होती है आप देखें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पाँच ये पांच मई दो हजार बाईस को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पांचवे दौर की रिपोर्ट जारी की है याद रहे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण उन्नीस में लॉन्च किया गया था जबकि एन एफ एच एस पांच में जारी आंकड़े वर्ष 2019-20 के संदर्भ में है और इस रिपोर्ट में जनसंख्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों जैसे जनसंख्या की विशेषताओं उपजन क्षमता परिवार नियोजन शिशु और बाल मृत्यु दर शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा एनीमिया, रुग्णता और स्वास्थ्य देखभाल महिला सशक्तिकरण आदि प्रमुख क्षेत्रों का पर विस्तृत जानकारी शामिल है इसमें और आप देखेंगे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निरंतर रूप से जारी संस्करण का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा अन्य उभरते क्षेत्रों से संबंधित विश्वसनीय और तुलनीय तुलनीय आंकड़े प्रदान करना है एन एफ एच एस पाँच सर्वेक्षण का कार अट्ठाईस राज्यों आठ केंद्र शासित प्रदेशों के सात सौ सात जिलों मार्च दो हज़ार सत्रह तक की लगभग 6000 हज़ार माफी छः दशमलव सैंतीस लाख करोड़ लाख घरों के नमूने सर्वेक्षण पर आधारित हैं और एन एफ एच एस पाँच सर्वेक्षण में मृत्यु पंजीकरण विद्यालय पूर्व शिक्षा बाल टीकाकरण बच्चों के लिए पोषण तत्वों के घटक मासिक धर्म जैसे नए आयाम शामिल हैं और जहाँ एन एफ एच दो हजार पंद्रह सोलह के अनुमानों का अनुमानों का उपयोग बड़ी संख्या में सतत विकास लक्ष्य के संकेतकों के लिए आधारभूल आधार मूल्य आधारभूत मूल्यों के रूप में किया गया है और वही एन एफ एच एस पांच विभिन्न स्तर पर लगभग लगभग चौतीस सतत विकास लक्ष्यों के लिए आंकड़े प्रदान करेगा और एन एफ एच एस पांच के प्रमुख निष्कर्ष भी जरूरी है भारत ने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय से उल्लेखनीय प्रगति की है और राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर टी एफ आर पिति महिला बच्चों की औसत संख्या एन एफ एच एस फोर और एन एफ एच एन एफ एच एस फाइव की मध्य टू पॉइंट टू से घटकर टू पॉइंट जीरो हो गई है भारत के सिर्फ पांच राज्यों में प्रजनन क्षमता की पित्ति स्थापना दर दो दशमलव एक से अधिक है ए पांच राज्य हैं बिहार दो दशमलव अंठानवे मेघालय दो दशमलव इक्यानवे उत्तर प्रदेश दो दशमलव पैंतीस और झारखंड दो दशमलव आपका छब्बीस मणिपुर दो दशमलव सत्रह और समग्र गर्भ निरोधक पेशा दर देश में चौवन प्रतिशत से बढ़कर सड़सठ परसेंट हो गई है देश में संस्थागत जन्म आप देखेंगे उन्यासी प्रतिशत से बढ़कर नवासी प्रतिशत हो गई है ग्रामीण क्षेत्रों में यह लगभग सत्तासी प्रतिशत जबकि शहरी क्षेत्रों में चौरानवे प्रतिशत है संस्थागत जन्म में सर्वाधिक वृद्धि आप देखेंगे सत्ताईस प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश में हुई है इसके बाद असम बिहार मेघालय छत्तीसगढ़ नागालैंड मणिपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दस प्रतिशत से अधिक वृद्धि है एन एफ एच एस फोर की बासठ प्रतिशत की तुलना में एन एफ एच एस फाइव में बारह से तेईस मार्च के सतहत्तर प्रतिशत से अधिक बच्चों का टीकाकरण पूर्ण हो चुका है बच्चों में पूर्ण टीकाकरण अच्छादन नागालैंड में संतावन प्रतिशत से दादरा से लेकर दादरा और नगर हवेली और दमन दुई में आप देखेंगे पंचानवे प्रतिशत तक है उड़ीसा में इक्यानवे प्रतिशत तमिलनाडु में नवासी प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में अठासी प्रतिशत तक टीकाकरण अच्छादन हो चुका है और आप देखेंगे वेदगत चार वर्षों में से भारत में पाँच परस पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ठिगनेपन का स्तर अड़तीस प्रतिशत से कम होकर छत्तीस परसेंट है ये अच्छी बात है जहां ठिगनेपन की समस्या पुदुचेरी में सबसे कम बीस परसेंट वहीं मेघालय में सर्वाधिक सैंतालीस परसेंट देखने को मिलेगी एन एफ एच एस फोर की तुलना में एन एफ एच एस फाइव में अधिकांश राज्य संघराज्य क्षेत्रों अधिक वजन और मोटापे में व्यापक वृद्धि देखी गई राष्ट्रीय स्तर पर यह महिलाओं में इक्कीस से बढ़कर चौबीस प्रतिशत हो गई और पुरुषों में उन्नीस प्रतिशत से बढ़कर तेईस परसेंट हो गई है NHF, NFHS, 5 में उत्तर प्रदेश के प्रमुख निष्कर्ष देख लीजिए कुल आबादी अनुपात देख लीजिए। शहरी क्षेत्र में आप देखेंगे नौ सौ इकसठ और ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे दस सौ छत्तीस और कुल है आपका एक हजार सत्रह और एन एफ एच एस फोर में नौ सौ पंचानवे था ये ठीक है तो बेहतर स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाली आबादी ये आप देखेंगे अस्सी पर ये शहरी आप ग्रामीण और कुल और ये आप देखिए दो दो हज़ार पंद्रह सोलह में जो फोर आया हुआ था ना उसी की बात हो रही है तो आप लोग याद रखिए बार बार ना बोले ऊपर वहाँ तो इसमें अस्सी दशमलव नौ और आप देखेंगे आप इसमें ग्रामीण में चौसठ दशमलव आठ कुल है अड़सठ दशमलव आपका आठ और पिछले साल ये छत्तीस दशमलव चार था और स्वच्छ ईंधन खाना बनाने हेतु का उपयोग करने वाले परिवार शहरों में आप देखेंगे अट्ठासी दशमलव तीन ग्रामीण छत्तीस दशमलव दो और कुल उनचास दशमलव पाँच और पिछले साल बत्तीस दशमलव सात था पंद्रह से उन्नीस उनचास वर्ष की आयु की साक्षर महिलाएं सतहत्तर दशमलव दो परसेंट बासठ दशमलव चार यहाँ आप देखेंगे टोटल छियासठ छियासठ दशमलव एक और कुल प्रजनन दर देख लीजिए पिती महिला बच्चे एक दशमलव नौ दो दशमलव पाँच दो दशमलव चार और दो दशमलव सात वाल्मीकि दर ये आप देखेंगे बाल मृत्यु दर बयालीस दशमलव जीरो बावन दशमलव छः पच, पचास दशमलव चार और पिछले साल तिरसठ दशमलव पाँच पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठेगनापन तैंतीस दशमलव जीरो इकतालीस दशमलव तीन उनतालीस दशमलव सात और छियालीस दशमलव तीन और आप देखेंगे पाँच वर्ष से कम आयु में बच्चों में दौलापन अठारह दशमलव सात सत्रह दशमलव जीरो सत्रह दशमलव तीन सत्रह दशमलव नौ पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में कम वजन अट्ठाईस दशमलव दो तैंतीस दशमलव एक बत्तीस दशमलव एक उन्तालीस दशमलव पांच पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में अधिक वजन ये आप देखेंगे तीन दशमलव छह दो दशमलव नौ तीन दशमलव एक एक दशमलव देख लेते हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ए चौबीस मार्च दो हजार बाईस को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्ति दास शक्तिकांत दास द्वारा बंगलोर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है इस हब की स्थापना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त दो हजार बीस की घोषणा की गई थी और यह इनोवेशन हब हाँ भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा आठ के तहत की गई थी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस हब हाँ की स्थापना सौ करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ संस्थागत व्यवसाय के माध्यम से स्थायी रूप से वित्तीय नवोन्वेश को प्रोत्साहित तथा पोषित करने हेतु की गई है और इस हब का संचालन एक स्वतंत्र बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा जिसके पहले अध्यक्ष के रूप में सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है आर बी आई एच का उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र सृजन करना है जो देश में अल्प आय वाली आबादी हेतु वित्तीय सेवाएं और उत्पादों तक पहुंच को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो साथ ही वित्तीय समावेशन को भी प्रोत्साहित प्रोत्साहन मिले और यह हब हाँ वित्तीय क्षेत्र के संस्थागत संस्थानों प्रौद्योगिकी उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करेगा और विचारों के आदान प्रदान और वित्तीय नवाचार से संबंधित प्रोटोटाइप के विकास हेतु प्रयासों का समन्वय करेगा यह फेन्टेक रिसर्च को बढ़ावा देने

और भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने, ने बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1500 सौ मेट्रिक टन की वार्षिक स्याही निर्माण क्षमता के साथ वर्डिका की स्थापना की है जो मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने वाला है यह इकाई सुनिश्चित करती है कि बैंक नोट प्रिंटिंग स्याही की संपूर्ण मांग देश में ही निर्मित हो और आप देखेंगे यह इकाई कलर शिफ्ट एंटेगिलियो एंक भी बनाती है और भारत में बैंक नोट पेंटिंग पेशों की सभी मांगों को पूरा करती है जिससे परिणाम स्वरूप बैंक नोट स्याही उत्पादन में लागत छम दक्षता और आत्मनिर्भरता आई है एम एस एम ई रुपये क्रेडिट कार्ड ये आप देखेंगे 10 मई 2022 की बात है केंद्रीय सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणी द्वारा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा चार अन्य बैंकों कोटक महिंद्रा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदरा और एस बैंक एच डी एफ सी बैंक के साथ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम रुपए क्रेडिट कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। याद रहे 25 फरवरी 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट सहयोग से यूनियन एम एस एम ई रुपे रुपए क्रेडिट कार्ड के पहले चरण का शुभारंभ भी किया है तो यह भी याद रखिएगा मात दर दो हजार के बीच देख लीजिए चौदह मार्च दो को भारत के महापंजीय महापंजीयक द्वारा मात मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन जारी की गई है इसमें क्या कहा गया है इस रिपोर्ट के अनुसार मात मृत्यु दर में 10 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है यह अनुपात 2016 से 18 में 113 था जो 8.8 दशमलव प्रतिशत की कमी के साथ घटकर 2017-19 में 103 हो गया है मातृ मृत्यु दर में गिरावट के पश्चात सतत विकास लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या पाँच से बढ़कर सात हो गई केरल इसमें तीस महाराष्ट्र में अड़तीस तेलंगाना में छप्पन तमिलनाडु में अंठावन और आंध्र प्रदेश में अंठावन झारखंड में इकसठ गुजरात में सत्तर केरल टॉप पर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा निर्धारित एम एम आर लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या बढ़कर न हो गई उपयुक्त सात राज्य राज्यों के अलावा कर्नाटक और हरियाणा आपका देखेंगे ओ, भी शामिल है इसमें याद रहे एम एम उत्तर प्रदेश में एम एम आर में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक तीस अंक की गिरावट दर्ज की गई है पंद्रह से अधिक उत्तर प्रदेश के साथ केरल और महाराष्ट्र में भी एम में पंद्रह प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है पश्चिम बंगाल हरियाणा उत्तराखंड छत्तीसगढ़ में मात मृत्यु दर में वृद्धि दर्ज की गई है क्या की गई है वृद्धि दर्ज की गई है अब बात करते हैं भारत का पहला कैप्टो करेंसी इंडेक्स आई सी पंद्रह इसके बारे में कुछ पॉइंट आप लोग याद रखिएगा जनवरी दो में वैश्विक कैप्टो कैप्टो सुपर एप कैप्टो वायर ने वायर ने दुनिया के प्रमुख एक्सचेंजों के अधिक कारोबार करने वाली करेंसी के प्रदर्शन की माप और निगरानी हेतु भारत में कैप्टो इंडेक्स की शुरुआत की है इस कैप्टो इंडेक्स की को आई सी पंद्रह नाम दिया गया है और इस सूचकांक का उद्देश्य बेहतर विकास की संभावनाओं का मूल्यांकन करते हुए हर संभव सहायता प्रदान करना तथा बाजार के विकास को सक्षम बनाना ताकि निवेशक क्रिप्टो करेंसी पारिस्थितिकी प्रणाली के बारे में अधिक जागरूक हो सकें और सूची में स्थान पाने हेतु किसी करेंसी को निम्नलिखित आहताएँ पूरी एक तरह से योग्यताएँ कह लीजिए आप लोग पूरी करनी होगी समीक्षा अवधि के दौरान व्यापारिक दिनों में कम से कम 90 प्रतिशत पर व्यापार पूंजीकरण परिचलन के संदर्भ में शीस पचास कंपनियों में शामिल व्यापारिक मूल्य के आधार पर शीस सौ सबसे अधिक तरल करेंसी में से एक आईसी पंद्रह इंडेक्स को कैप्टोवायर द्वारा गठित एक इंडेक्स गवर्नेंस कमेटी द्वारा वित्तीय प्रबंधित किया जाएगा जिसमें कैप्टो विशेषज्ञ निपुण शिक्षाविद और उद्योग व्यवसायी भी शामिल होंगे समिति द्वारा ही सूचकांक की निगरानी रखरखाव और प्रबंधन किया जाएगा और समिति बाजार पूंजीकरण के आधार पर सौ चार सौ में से पंद्रह करेंसी का चयन भी करेंगी और आप देखेंगे तिमाही आधार पर सूचकांक की निगरानी समीक्षा और पुनर्संतुलन किया जाएगा और इंडेक्स का आधार मूल एक दस हजार निर्धारित किया गया है जबकि आधार तिथि 1 अप्रैल 2018 तय की गई है फिर है आपका एयरटेल पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा मिलना जनवरी 2022 में एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया गया है और आप सभी लोग कई लोग इसे चलाते भी होंगे यूज करते होंगे फलस्वरूप एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आप लोग हमारी आरबीआई है ना केंद्रीय बैंक है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है और आरबीआई की स्थापना भी आप देखिए बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुई थी रिजर्व बैंक अधिनियम और 1 अप्रैल 1935 की बात है और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा पेमेंट्स बैंक की स्थापना वर्ष दो में गठित नचिकेत मोर समिति की सिफारिश के आधार पर की गई है इस समिति को भी याद रखिएगा एक कई बार रखियेगा पूछ लेते हैं इस तरह के एयरटेल पेमेंट्स बैंक भारत का पहला भुगतान बैंक है जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी एयरटेल पेमेंट्स बैंक भारत का एक प्रगतिशील डिजिटल बैंक है जो दूर संचार की अग्री कंपनियों में से एक भारतीय एयरटेल की अनुसंगी कंपनी है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा कहा नई दिल्ली में पेटीएम बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक को भी अनुसूचित बैंक का दर्जा दिसंबर 2021 में पेटीएम की एक अनुसंगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया गया था और इसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड भी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम उन्नीस की दूसरी अनुसूची में शामिल हो गया है और पेटीएम भारत की अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनी है और इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा और फिर आप देखेंगे ऑफलाइन डिजिटल भुगतान फेम ऑनलाइन ही ऑफलाइन बात हो रही है ऑफलाइन डिजिटल भुगतान से तात्पर्य ऐसे भुगतान से है जिसमें इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती है आप लोग कह देते हैं ना कि ऑफलाइन डिक्शनरी आपने देखा होगा उसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है और ऑनलाइन डिक्शनरी उसमें आप देखते हैं उसे यूज करने के लिए ऑनलाइन एक तरह से नेट की जरूरत पड़ती है इंटरनेट की जरूरत पड़ती है यह भुगतान किसी भी माध्यम या उपकरण जैसे कार्ड वॉलेट्स मोबाइल डिवाइसेज आदि का उपयोग करके आमने सामने फेस टू फेस किया जा सकता है ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क की बात करें तो इसे जारी तीन जनवरी दो को किया गया था जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक आर इसका उद्देश्य है छोटे मूल्य के भुगतान को सुविधाजनक बनाना भुगतान का माध्यम ऑफलाइन बिना इंटरनेट के होगा और भुगतान हेतु उपकरण कार्ड्स हो गया वॉलेट्स हो गया मोबाइल हो गया डिवाइसेस हो गया औ पीतीय लेन देन की सीमा आप देखेंगे दो सौ रुपये है समग्र लेन देन की सीमा आप देखेंगे दो हजार रुपये है और लागू तत्काल प्रभाव ये तीन जनवरी दो से लागू है और फीडबैक की अवधि आप देखेंगे सेप्टेम्बर दो से 2020 से जून 2021 तक है ऑफलाइन डिजिटल भुगतान हेतु प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक जैसे ओ या पिन नंबर आदि की आवश्यकता नहीं होगी और चूंकि भुगतान ऑफलाइन है इसलिए ग्राहक को एक समय अंतराल के बाद सूचना एस एम या ई के माध्यम से प्राप्त होगी एस एम के माध्यम से अच्छी तरह से प्राप्त हो जाए तो आप सभी जानते हैं कि उसमें ऑनलाइन का काम भी नहीं रहेगा ईमेल तो आपको खोलनी भी पड़ेगी और ये छोटा भुगतान इसलिए आप देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहता है और दो हजार रुपये से अधिक का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही होगा रहे है? की रिपोर्ट के अनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मजदूरी दर सूचकांक का आधार वर्ष संशोधित करके वर्ष दो बराबर आप देखें सौ कर दिया गया है और इससे पूर्व मजदूरी दर सूचकांक का आधार वर्ष उन्नीस और उन्नीस सौ पैंसठ सौ था ये आप देखें दो कर दिया गया नए आधार वर्ष दो हज़ार सौ सो के साथ ही मजदूरी दर सूचकांक की नई श्रृंखला भी जारी की गई है इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से समृद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित एवं अनुरक्षित किया गया है और आधार वर्ष यह संशोधन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आई और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एन आदि की, की सिफारिश के आधार पर किया गया है एक बात और आपको बता चुका हूँ इस तरह की जो भी चर्चा में रहते हैं और वैसे भी आप लोग देखेंगे तो उनके बारे में एक, एक, एक जनवरी एवं एक जुलाई को बिंदु दर बिंदु अर्धवास्तविक आधार पर वर्ष में दो बार संकलित की जाएगी और पुरानी श्रृंखला आधार वर्ष 2000 वर्ष उन्नीस सौ तिरसठ पैंसठ सौ की तुलना में नई श्रृंखला आधार वर्ष 2016 हजार सोलह के कि तहत किए गए सुधार निम्न है नई श्रृंखला में कुल सैतीस उद्योगों को शामिल किया गया जबकि पुरानी श्रृंखला में आप देखेंगे उद्योगों को शामिल किया गया था आप देखेंगे सैंतीस अगला टॉपिक आपका नमूना पंजीकरण प्रणाली अक्टूबर 2021 बुलेटिन इसमें क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है अक्टूबर 2021 को रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय भारत सरकार द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन जारी किया गया है बुलेटिन में जारी आंकड़े राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लिए वर्ष दो के संदर्भ में है और आप देखेंगे सर्वेक्षण में राज्यों को बड़े राज्यों छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर वर्गी करके आंकड़े जारी किए गए यहाँ बड़े राज्यों से तात्पर्य उन राज्यों से जिनकी संख्या आप देखेंगे दो की जनगणना के अनुसार दस मिलियन से अधिक है और एक मिलियन में आप सभी जानते हैं दस लाख होता है ना तो ये भी आप लोग याद रखिए जन्म दर की बात करें तो विगत चार दस दशकों में अखिल भारतीय स्तर पर जन्म दर में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई है यह वर्ष उन्नीस की छत्तीस दशमलव नौ पिती, पिती हज़ार से गिरकर आप देखेंगे 2019 में उन्नीस दशमलव सात प्रतिशत पिती हजार रह गई है और भारत के बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर आप देखेंगे बिहार की पच्चीस दशमलव आठ है और सबसे कम है केरल की केरल टॉप पर ही रहता है तेरह दशमलव आठ तेरह दशमलव पाँच जबकि सभी भारतीय राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे कम दर जन्म दर अंडमान निकोबार द्वीप की है ग्यारह आप देखें जीरो रही है वर्ष 2019 के संदर्भ में जन्म दर वाले पांच राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें बिहार 25.8 उत्तर प्रदेश 25.4 मध्य प्रदेश 25.5 माफ करिए चौबीस तीसरे नंबर पर राजस्थान तेईस दशमलव सात मेघालय आपका तेईस दशमलव दो वर्ष 2019 के संदर्भ में न्यूनतम जन्म दर वाले केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित और प्रदेश क्रमशः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ग्यारह गोवा बारह नागालैंड बारह दशमलव सात त्रिपुरा बारह दशमलव आठ चंडीगढ़ तेरह दशमलव जीरो और राष्ट्रीय स्तर पर विगत चार दशकों में मृत्यु दर में भी काफ़ी गिरावट आई है उन्नीस में चौदह दशमलव नौ पीती हज़ार से गिर का में उन्नीस में छः पीती हज़ार रह गई है तो अच्छी बात है बड़े एवं छोटे राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना करने पर मृत्यु दर सबसे कम दिल्ली में तीन दशमलव दो पीती हज़ार और जो तो सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में सात दशमलव तीन पीती हज़ार रहेगी अब आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है पहले से बेहतर है लेकिन अभी भी कमी है 2019 के संदर्भ में शीर्ष मृत्यु दर वाले पांच राज्य देख लीजिए क्रमशः छत्तीसगढ़ सात दशमलव तीन पित्ती हजार में है उड़ीसा केरल सात दशमलव एक हिमाचल प्रदेश में छह दशमलव नौ पुदुचेरी में छः दशमलव आठ और वर्ष 2019 के संदर्भ में न्यूनतम मृत्यु दर वाले पांच राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में तीन दशमलव दो नागालैंड में तीन दशमलव पाँच दादरा और नगर हवेली में तीन दशमलव सात मिजोरम चंडीगढ़ में चार है राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर का वर्तमान स्तर वर्ष दो हजार उन्नीस से पीतीय एक हज़ार जीवित जन्म पर तीस शिशुओं की मृत्यु वर्ष दो के स्तर परि एक हज़ार जीवित जन्म पर एक शिशुओं की मृत्यु की तुलना में घटकर लगभग एक चौथाई हो गया है आप देख रहे हैं पहले जन्म के समय ही कई बच्चों की डेथ हो जाती थी आज के समय में आप देखिए कि सुविधाएं हो गई हैं काफ़ी स्वास्थ्य में अब काफ़ी एक तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है तो राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा जहां मिजोरम और नागालैंड में सबसे कम पिते पिते एक हज़ार में तीन पे तीस हज़ार है और दर्ज किया गया है जबकि मध्य प्रदेश में छियालीस है ये सर्वाधिक है मध्य प्रदेश और 2019 के संदर्भ में सर्वाधिक शिथु मृत्यु दर वाले पांच राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः मध्य प्रदेश छियालीस उत्तर प्रदेश इकतालीस असम छत्तीसगढ़ चालीस उड़ीसा आपका अड़तीस है और वर्ष 2019 के संदर्भ में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले पांच राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम नागालैंड प्रत्येक में तीन है सिक्किम में पाँच है केरल में छः है अंडमान निकोबार में सात है तो इन्हें भी याद रखिएगा इनसे पूछा जा सकता है आप देख लेते हैं वित्तीय समावेशन सूचकांक ये सत्रह अगस्त दो हज़ार इक्कीस को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन को मापने के लिए अपनी तरह के पहले समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की है इस सूचकांक के अनुसार मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय सूचकांक तिरपन है जबकि मार्च 2017 की अवधि के लिए यह तैंतालीस है इस सूचकांक को आर द्वारा सरकार और संबंधित क्षेत्र के विनियामक संस्थाओं के सहयोग से बनाया जाता है तैयार किया जाता है इसमें बैंकिंग निवेश बीमा डाक के साथ साथ पेंशन क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं को शामिल करते हुए अधिक व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया है और यह सूचकांक वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सूचकांक सूचकों जीरो से एक हज़ार के बीच अंक प्रदान करता है जहां जीरो वित्तीय अपवाजन को आप देखेंगे एक हज़ार पूर्ण वित्तीय समावेशन को प्रदर्शित करता है एक तरह से और इसके लिए तीन व्यापक मानदंड निर्धारित किए गए जिन्हें अलग अलग भारंग दिए गए हैं पहुँच पैंतीस उपयोग पैंतालीस गुणवत्ता बीस कितना बीस और फिर अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क इसके बारे में भी जान लीजिए सितंबर 2021 में देश में वित्तीय डाटा साझा प्रणाली अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क का अनावरण किया गया है जो निवेश और ऋण के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है और इस नेटवर्क के माध्यम से लाखों उपभोक्ताओं को अपने वित्तीय एक रिकॉर्ड पर आसान पहुंच और नियंत्रण मिल सकता है साथ ही ऋण प्रदाता तथा फिनटेक कंपनियों के लिए ग्राहकों की संभावित संख्या में अत्यधिक विस्तार भी हो सकता है यह भारत में ओपन बैंकिंग की व्यवस्था शुरू करने की दिशा में पहला कदम है जो लाखों ग्राहकों को सुरक्षित तो और कुशल तरीके से अपने वित्तीय डाटा तक डिजिटल रूप में पहुंच और इसे अन्य स्थान संस्थानों के साथ साझा करने में सशक्त बनाता है यह प्रणाली ऋण और धन धन प्रबंधन को बहुत तेजी और किफायती बना सकता सकती है और व्यक्ति की सहमति के बिना डाटा के साझा नहीं किया जा सकता है अकाउंट एग्रीगेटर किसी ग्राहक के डाटा के को पढ़ नहीं सकता है साथ ही वह डाटा का पुनर्विक्रय भी नहीं कर सकता है अकाउंट एग्रीगेटर नए ग्राहकों को यह सुविधा देता है कि वे चयन के आधार पर डाटा को साझा करें या ग्राहक साझा किए गए डाटा को वापस भी ले सकता है अकाउंट एग्रीगेटर ग्राहकों के प्रति जिम्मेदार होते हैं जिन्हें आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है जो डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एवं कूट भाषा का इस्तेमाल करते हुए डाटा साझा करते हैं डाटा का देखिए मतलब एक तरह से कई लोग पूछते रहते हैं डाटा चोरी क्या होता है अब आप देखिए आपकी कोई पर्सनल जानकारी चुरा ली किसी ने ऐसे ही तो डाटा चोरी कह देते हैं तो ये जरूर आप लोग याद रख सकते हैं कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र को देख लीजिए इसमें क्या प्रगति हुई है आपकी तो पशुधन और फॉल्टी पक्षियों की गणना और आप देखते हैं कि कई लोग इसी का उदाहरण देते रहते हैं कि जाति का जनगणना हमारे देश में होनी चाहिए जब पशुओं की और आप देखिए पक्षियों की गणना हो सकती है तो इंसानों की क्यों नहीं होती है मतलब जातियों में आप समझ रहे हैं वैसे तो आप देखते हैं दस साल में होती है बारह मई 2022 को केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन तथा डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा बीसवीं गणना के आधार पर नस्ल के आधार पर अनुसार पशुधन पोलिट्री रिपोर्ट जारी की गई है बीसवीं है देश में पहली बार नस्ल नसल के अनुसार डाटा संग्रह करने का काम बीसवीं पशुधन गणना दो के साथ ही किया गया था डाटा एकत्रित करने का काम कागज के स्थान पर टैबलेट कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किया जा रहा है डिजिटल इंडिया की बात होती रहती ना राष्ट्रीय पशु अनुसांगिक अनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की मान्यता के आधार पर पशुधन तथा तो पोल्ट्री पक्षियों की गणना की गई है रिपोर्ट में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा पंजीकृत 19 चयनित प्रजातियों की एक मान्यता प्राप्त स्वदेशी विदेशी और संकर नक्सलों को शामिल किया गया है रिपोर्ट में 41 मान्यता प्राप्त स्वदेशी मवेशी हैं जबकि चार विदेशी और संकर नस्लें शामिल हैं रिपोर्ट के अनुसार कुल मवेशियों की आबादी में विदेशी और संकर पशु का योगदान लगभग छब्बीस प्रतिशत है जबकि तिहत्तर प्रतिशत स्वदेशी और बिना वर्ग के मवेशी हैं और कुल विदेशी और शंकर मवेशियों में शंकर हॉल स्ट्रीन फिजियन के उनतालीस दशमलव तीन प्रतिशत की तुलना में शंकर जर्सी का हिस्सा सर्वाधिक उनचास दशमलव तीन प्रतिशत है कुल देसी मवेशियों में गिर लखीमी और शाहीवाल नस्लों का प्रमुख योगदान है भैंस में मुर्रा नस्ल का प्रयोग प्रमुख योगदान बयालीस दशमलव आठ प्रतिशत है जो सामान्यतः उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है और पशुओं से जो व्यक्ति जानता होगा वो इन नस्लों को जरूर देखा होगा भेड़ में तीन विदेशी और छब्बीस देशी नस्लें पाई जा गई हैं शुद्ध विदेशी नस्लों में कौरीडेल नस्ल का प्रमुख रूप से सत्रह दशमलव तीन प्रतिशत है और स्वदेशी नस्लों में निल्लौर नस्ल का योगदान बीस प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सैनी में सबसे अधिक है देश में बकरियों की अट्ठाईस देशी नस्लें पाई जाती हैं और ब्लैक बंगाल नस्ल का योगदान अठारह दशमलव छः प्रतिशत के साथ सबसे अधिक है कैसा है सबसे अधिक है और आप देखेंगे तो इसे आप लोग एक ओवरव्यू इसके बारे में याद रखिएगा अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 के बारे में और इससे आप देखिए यू पी इसमें हर साल एक क्वेश्चन आता है लगभग और वैसे हर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो 2 मई 2022 को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा विश्व वन रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है यह रिपोर्ट दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में दो से छ मई दो तक आयोजित पंद्रहवीं विश्व वानिकी कांग्रेस के दौरान जारी की गई है पंद्रहवें विषय वन की कांग्रेस का विषय था वन के साथ एक हरित स्वस्थ और लचीले भविष्य का निर्माण करना तो इसकी थीम और विषय जरूर याद रखिएगा वन पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के इकतीस प्रतिशत पर विस्तृत है और जिसका कुल विस्तार आप देखेंगे चार दशमलव जीरो छः बिलियन हेक्टर क्षेत्र है परंतु वनों के क्षेत्रफल में कमी आ आ रही है और आप देखेंगे आएगी ही वो तो हमारे सामने आप देखते होंगे आप लोग जब स्कूल जाते होंगे छोटे रहे होंगे तो आप घर से निकलते थे तो पेड़ ही पेड़ दिखाई देते थे आपके आसपास भी आज आप देखिए साफ दिखाई दे रहा है वन पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के इकतीस प्रतिशत पर विस्तृत है जबकि जिसका कुल विस्तार चार दशमलव जीरो क्षेत्र है परंतु वनों के क्षेत्रफल में कमी आ रही है उन्नीस से सन दो तक निर्वनीकरण के कारण चार मिलियन हेक्टर वनों का नाश हो गया है और निर्वनीकरण की दर में गिरावट आई है फिर वर्ष 2015 हजार से 20 के मध्य निर्वनीकरण की दर दस दस मिलियन हेक्टर प्रतिवश रही है और ये चिंता का विषय भी है 2000 सन दो से 2020 के मध्य लगभग सैंतालीस मिलियन हेक्टर प्राथमिक वन लुप्त हुए हैं रोपित वन कुल पृथ्वी के दो मिलियन हेक्टर क्षेत्र कुल वैश्विक वन क्षेत्रफल का सात सात परसेंट में विस्तृत है और जबकि 2015 हज़ार पंद्रह तक वित्तीय वर्ष एक प्रतिशत से कम दर से बढ़ रहा है जो वर्ष 2015 12 पंद्रह से 15 की अवधि की वृद्धि दर एक से कम है वन अस्सी उभयचर प्राणियों पचहत्तर परसेंट पक्षियों और अड़सठ परसेंट स्तनधारी जीवों का आवास भी प्रदान करता है अब आप देखिए कि हमारी ही अगर आवास को कोई उजाड़े तो हमारा अस्तित्व कहाँ तक रहेगा तो हम देख कर रहे हैं ना हम लोग उजाड़ रहे हैं ना किसका जानवरों का एक बात और आपको बता देता हूँ अभी भी हमारे यहाँ देखिए करोड़ों का फंड रहता है पेड़ों को लगाने के लिए लेकिन आपने देखा होगा पेड़ लगा दिए जाते हैं वो भूल दिए भूल जाते हैं उनमें पानी देखते नहीं है देते नहीं हैं और आप देखेंगे कि विश्वत रेखीय वन में लगभग साठ प्रतिशत समन्हीय पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं सत मिलियन हेक्टर से अधिक वन कुल वैश्विक वन क्षेत्रफल का अठारह वैधानिक रूप से संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वन पर्यावरण परिवर्तन से लड़ने में सहायक हैं क्योंकि वे ये छः बिलियन टन कार्बन धारित करते हैं जो संपूर्ण विश्व में मृदा एवं वनस्पतियों द्वारा धारित कार्बन भंडार के आदि से अधिक हैं और आप देखेंगे बागवानी फसलें क्या बागवानी फसलें इन्हें भी देख लीजिए क्या रिपोर्ट आई हुई है प्रथम अग्रिम अनुमान 2021-22 इक्कीस बाईस अट्ठाईस मार्च 2022 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा बागवानी फसलों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संदर्भ में वर्ष 2021-22 हेतु प्रथम अग्रिम अनुमान और वर्ष 2020-21 हेतु अंतिम अनुमान जारी किया गया है और 2021-22 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन तीन दशमलव मिलियन टन अनुमानित है जो वर्ष दो हज़ार के अंतिम अनुमान तीन दशमलव मिलियन टन की तुलना में लगभग एक दशमलव पैंतीस मिलियन टन कम है जीरो दशमलव चार परसेंट दो हज़ार बीस इक्कीस बाईस में फसलों का उत्पादन लगभग एक सौ दो दशमलव नौ मिलियन टन होने का अनुमान है जबकि विगत वर्ष का उत्पादन एक सौ दो दशमलव पाँच मिलियन टन था वर्ष दो हज़ार इक्कीस बाईस में सब्जियों का कुल उत्पादन एक सौ निन्यानवे दशमलव नौ मिलियन टन अनुमानित है जबकि विगत वर्ष यह दो दो दशमलव चार मिलियन टन था और प्याज का उत्पादन 2020-21 के 26.6 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में वर्ष 2021-22 में ये आप देखेंगे इकतीस मिलियन टन है और अनुमानित है आलू का उत्पादन वर्ष 2020-21 में छप्पन मिलियन टन था जबकि 2021-22 में आप देखेंगे अनुमानित थे तिरपन मिलियन टन अनुमानित है पहले से अनुमान लगा देते ना अंतिम अनुमान दो ए बीस इक्कीस की कुल बागवानी रिक, उत्पादन रिकॉर्ड तीन सौ चौंतीस दशमलव साठ मिलियन टन होने का अनुमान है जो वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के कुल उत्पादन की तुलना में लगभग चौदह दशमलव तेरह मिलियन टन अधिक है चार दशमलव चार परसेंट फलों का उत्पादन वर्ष दो हज़ार उन्नीस बीस में प्राप्त एक सौ दो दशमलव जीरो आठ मिलियन टन की तुलना में दो हजार बीस इक्कीस में एक सौ दो दशमलव अड़तालीस मिलियन टन होने का अनुमान है सब्जियों का उत्पादन विगत वर्ष के एक उन्नीस बीस के 188.28 मिलियन टन की तुलना में 2020-21 में 200.45 मिलियन टन होने का अनुमान है जो 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है 2019-20 में 26.09 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में प्याज का उत्पादन वर्ष 2020-21 में छब्बीस मिलियन टन अनुमानित है 2020-21 में छप्पन मिलियन टन के रिकॉर्ड आलू उत्पादन के अनुमान जो 2019-20 के उत्पादन की तुलना में सात दशमलव इकसठ मिलियन टन है जनसंख्या बढ़ रही है तो आप देख रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी खाने की खाने की जरूरत पड़ेगी तो आप सभी जानते हैं उत्पादन बढ़ाना ही होगा कुल बागवानी ये 2019-20 के अंतिम आंकड़े हैं 2021 हजार के अंतिम आंकड़े हैं पहला अनुमान है 2021-22 का छेदफल मिलियन हेक्टर में ये आप देखेंगे छब्बीस च्चप, दशमलव अड़तालीस फिर ए सत्ताईस दशमलव अड़तालीस सत्ताईस दशमलव छप्पन उत्पादन मिलियन टन में तीन सौ बीस दशमलव सैंतालीस तीन सौ चौंतीस दशमलव आप देखेंगे साठ और तीन सौ तैंतीस दशमलव तीस चलिए अब हम लोग भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवाचार जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं भारत की हाल ही में भारतीय की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवाचार रिपोर्ट जारी की गई है इस रिपोर्ट में कहा क्या जा रहा है इस रिपोर्ट का शीर्षक है डिस्ट्रोफिक्टिव बिजनेस मॉडल्स आर एस्टिमुलेटिंग इनक्लूसिव ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस इस रिपोर्ट को भारतीय उद्योग परिसंघ एवं अमेरिकी प्रबंध फार्मर्स कंपनी बैन एंड कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा उप क्षेत्र है और इस क्षेत्र में वर्ष दो हजार की तुलना में ग्रामीण जी में लगभग सैंतीस परसेंट लगभग पैंतालीस लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है और साथ ही यह क्षेत्र तीन मिलियन कुल कार्बल का अड़सठ प्रतिशत लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है और विगत पाँच वर्षों 2015 से 20 के दौरान 11 प्रतिशत की वार्षिक चक्य वृद्धि दर के साथ कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले क्षेत्रों में से एक है और कोरोना महामारी में आपने देखा होगा कि सभी अगर हमारी अर्थव्यवस्था को डूबती हुई अर्थव्यवस्था की लाज किसी ने बचाई थी तो वो कृषि क्षेत्र था किसानों का योगदान था लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में किसानों की क्या हालत है ये किसी से छुपी ठो है मुख्य फसलों के उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमान दो हज़ार बीस इक्कीस बाईस से सोलह फरवरी दो हज़ार बाईस को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दो हजार इक्कीस बाईस के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन की द्वितीय अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं दो हजार इक्कीस बाईस के लिए द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड तीन सौ सोलह दशमलव जीरो छह मिलियन टन अनुमानित है जो दो हजार बाईस इक्कीस के दौरान प्राप्त उत्पादन तीन सौ दस दशमलव चौहत्तर मिलियन टन है की तुलना में पाँच दशमलव बत्तीस मिलियन टन और विगत पाँच वर्षों में आप देखेंगे दो हजार सोलह सत्रह से दो हजार बीस इक्कीस के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में पच्चीस मिलियन टन अधिक है और आप देखेंगे कि वर्ष 2021-22 के दौरान चावल का कुल उत्पादन एक मिलियन टन अनुमानित है जो विगत पाँच वर्षों 2016-17 और बीस 20 से इक्कीस के दौरान उत्पादन एक मिलियन टन की तुलना में ग्यारह मिलियन टन अधिक है 2021-22 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन एक मिलियन टन अनुमानित है यह विगत पाँच वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में आप देखेंगे सात दशमलव चवालीस मिलियन टन अधिक है और दो हज़ार इक्कीस बाईस के दौरान कुल दलहन उत्पादन छब्बीस दशमलव छियानवे मिलियन टन अनुमानित है जो विगत पांच वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में तीन दशमलव चौदह मिलियन टन अधिक है और दो हज़ार इक्कीस बाईस के दौरान कुल दलहन उत्पादन सैंतीस दशमलव पंद्रह मिलियन टन अनुमानित है जो वर्ष दो हज़ार बीस दो हज़ार बीस इक्कीस के उत्पादन तुलना में एक दशमलव बीस मिलियन टन और विगत पांच वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में चार दशमलव छियालीस मिलियन टन अधिक है अब देख लीजिए मिथिला के मखाना को मिला है जीआई टैग क्या जीआई टैग दिसंबर 2021 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीन भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना करने के आवेदन को स्वीकार करते हुए उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया है सितंबर 2022 में सबोर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ की ओर से बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना करने के लिए जीआई रजिस्टर को पत्र भेजकर आवेदन किया था इसे मंजूरी मिल चुकी है और साथ ही इसकी पहचान सुरक्षा के अलावा उत, उत्पत्ति को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए ब्रांड 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 लोगो में संशोधन का सुझाव भी दिया गया है भारत में इसकी खेती बिहार पश्चिम बंगाल मणिपुर त्रिपुरा असम जम्मू कश्मीर उड़ीसा राजस्थान मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में होती है बिहार देश में कुल मखाना उत्पादन में लगभग 80 से पचासी प्रतिशत प्रतिशत योगदान देता है बिहार के प्रमुख मखाना उत्पादक जिले देखें तो दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी सहरसा सुपौल अरिया अररिया पूर्णिया केशनगंज कटिहार आपका शामिल है फिर आप देख लीजिए एक कृषि उड़ान टू आप देखेंगे सत्ताईस अक्टूबर 2021 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय 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 द्वारा किसी उड़ान 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया इस योजना के तहत हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है किसी उड़ान 2.0 योजना को भारतीय विमान पतन प्राधिकरण सौ प्रतिशत की हिस्सेदारी वाली सहायक कंपनी आई क्लास तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है और योजना की अगर हम लोग तो उद्देश्य की बात करें तो कृषि उपज एवं हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण अनुकूलन के माध्यम से कृषि मूल्य प्राप्ति में सुधार लाना है विभिन्न और गतिशील परिस्थितियों में कृषि मूल्य श्रृंखला में स्थिरता और लचीलापन लाने में योगदान देना है कृषि उपज की आपूर्ति श्रृंखला लॉजिस्टिक एवं उसके परिवहन में आने वाली बाधाओं को दूर तथा किसानों की आय को दुग्ना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद यह योजना मुख्य रूप से पूर्वोत्तर पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती है फिर आप देखेंगे क्या देखेंगे क्या फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन 2020-22 बीस तेईस की बात हो रही है 8 सितंबर 2021 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2022-23 के लिए सभी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है और विपणन वर्ष दो हज़ार के लिए जहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि मशहूर एवं रैप सीड सरसों प्रतिक में से चार सौ रुपये प्रति क्विंटल के लिए की गई है वही सबसे कम वृद्धि जो पैंतीस रुपये प्रति क्वंटल की गई है और आप देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात होती रहती है इसे हर आदि की व्यक्ति समर्थन करता है किस पर एक कानून आना चाहिए अभी आप देखिए ना के बराबर एक तरह से सरकारी खरीद होती है और किसानों की हालत यही बुरी हो जाती है आप देखते होंगे जो बिचौलिए रहते हैं ना के भाव एक तरह से उसे खरीदते हैं फसल को समझ रहे हैं तो कम कम से कम एक नियत कम से कम कहा जा रहा है कि एक मूल तो उनका निर्धारित होना चाहिए विपणन वर्ष 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपये प्रति क्विंटल में है क्योंकि आप सब सभी जानते हैं कि एक तरह से देखिए कि इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है ए फसल हो गई विपणन वर्ष दो हजार के लिए और विपणन वर्ष दो हजार के लिए शुद्ध वृद्धि हो गई है तो इनका मूल आप लोग याद रख सकते हैं और गेहूं का आप देखेंगे उन्नीस आप देखेंगे 2015 हज़ार पंद्रह जौ का आप देखेंगे 1600 अब आप देखेंगे 1635 चना का इक्यावन सौ यहाँ बावन हो गई मसूर का इक्यावन सौ पचपन हो गया रेफेट सरसों का पैंता छियालीस सौ पचास था पच पचास पाँच हज़ार पचास हो गया कुसुम का तिरपन था अब चुंगन इकतालीस हो गया तो आप देख सकते हैं कि बढ़ोतरी देखी गई है खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य देख लीजिए दो हज़ार नौ जून दो को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दो हज़ार इक्कीस बाईस हेतु सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है और आप देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारी खरीद पर कौन लोग बेचते हैं जिनके पास सुविधा होती है आप देखिए आपको घर से कहाँ सोसाइटी तक सरकारी जहाँ दुकान होगी वहाँ बेचने के लिए ले जाना पड़ेगा अपने खाद्यान्न को या गेहूँ जो भी हो आपकी फसल लेकिन आपने देखा होगा जो सेठ होते हैं बिचौलिया होते हैं गाँव में वो आपके वहाँ से खेत पर सही खरीदने ले जाते हैं तो इस तरह की अगर सुविधा हो तो सरकार को बेचेंगे किसान क्यों नहीं बेचें उन्हें अगर फायदा मिल रहा है में वृद्धि की मंजूरी दी गई हो सर्वाधिक वृद्धि चार सौ बावन रुपये प्रति क्विंटल तिल की रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य आप देखेंगे इसका सात हज़ार तीन सौ सात रुपये हो गई जबकि लागत पर सर्वाधिक पिति प्रतिफल बाजरा की मूल्य का पचासी परसेंट रहा है और ये आप देखिए फसल हो गई और प्रति रुप रुपये प्रति क्विंटल हो गया एम एस पी हो गई एम एस पी दो हज़ार बीस इक्कीस की हो गई इक्कीस बाईस की होगी हो धान की देखेंगे सामान ये अठारह सौ अड़सठ थी उन्नीस सौ चालीस धान ए, एक किस्म एक अठारह सौ अट्ठासी और आप देखेंगे उन्नीस सौ साठ हो गई है ज्वार छब्बीस बीस थी सत्ताईस अड़तीस हो गई ज्वार मल डांडी ये छब्बीस चा, चालीस थी सत्ताईस अंठावन हो गई बाजरा की इक्कीस एक, पचास थी बाईस पचास हो गई रागी की बत्तीस बत्तीस बान पंचानवे थी सैंतीस तैंतीस सतहत्तर हो गई मक्का की अठारह पचास थी अठारह सत्तर हो गई और आप देखें तूर की 3, की छः हजार थी तिरसठ सौ हो गई मूंग की इकहत्तर सौ छियानवे थी बहत्तर सौ पच बहत्तर सौ पचहत्तर हो गई उधर की छः हज़ार थी तिरसठ सौ हो गई मूँगफली की बावन पचहत्तर थी पचपन पचास हो गई सूरजमुखी बीज की ये आप देखेंगे पाँच हज़ार आठ सौ पचासी थी साठ पंद्रह हो गई सोयाबीन पीला ये अड़तीस अस्सी था उनतालीस पचास हो गया तिल अड़सठ पचपन था और ये आप देखेंगे तिहत्तर जीरो सात हो गए नाइजर सीड ये छियासठ पच पंचानवे था उनहत्तर तीस हो गया कपास मध्य मध्यम रेसा पचपन पंद्रह था ये सन्तावन छब्बीस हो गया कपास लंबा रेसा ये आप देखेंगे अंठावन पच्चीस था छः हजार पच्चीस हो गया इसका क्या हो गया छः हजार पच्चीस हो गया आप चलिए अब हम लोग उद्योग क्षेत्र को भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या हुआ है अभी इस समय में तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 इसमें आप देखेंगे तो 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा पित्ती स्पर्धा संस्थान के सहयोग से निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया गया सूचकांक के चार स्तंभ है नीति इसमें आप देखेंगे 20 परसेंट व्यापार पारितंत्र 40 परसेंट निर्यात पारितंत्र 20 परसेंट निर्यात प्रदर्शन ये आप देखेंगे बीस और इस सूचकांक में राज्यों को चार श्रेणियों में बांटा गया है समूह एक तटीय राज्य समूह बी भूआवध राज्य और सी हिमालयी राज्य और डी केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्य ठीक है और रिपोर्ट के अनुसार समग्र रैंकिंग में शीस चार राज्यों में गुजरात अठहत्तर दशमलव छियासी के कुल स्कोर के साथ पहले स्थान पर है गुजरात का नाम तो आपने सुना भी होगा आपके प्रधानमंत्री साहब और गृह मंत्री साहब दोनों यहीं से आते हैं और जबकि महाराष्ट्र 70.14 दशमलव चौदह स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है कर्नाटक इसमें देखेंगे अड़सठ दशमलव बहत्तर स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु आपका छप्पन दशमलव चौरासी स्कोर के साथ चौथे स्थान पर है देखिए आप लोगों को टॉप स्थान याद रखना है उसके बाद आपको निचले से कौन स्थान टॉप कर रहा है नीचे से टॉप कौन कर रहा है उसे याद रखा करिएगा और आप लोग अपने राज्य को भी याद रखा करिएगा कि अगर आप लोग स्टेट लेवल की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके राज्य से भी पूछा जा सकता है कि आपके राज्य किस स्थान पर है ठीक है भू अवध राज्य में हरियाणा तिरपन दशमलव बीस स्कोर के साथ शीर्ष पर है और उत्तर प्रदेश वहीं आप देखें तो इसमें इक्यावन दशमलव जीरो नौ स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है समग्र रैंकिंग में छठे स्थान पर है कौन सा उत्तर प्रदेश बिहार में आप देखें तो भू अवध राज्य में इसकी श्रेणी में बत्तीस दशमलव जीरो छः अंकों के साथ दसवें स्थान पर है जबकि समग्र रैंकिंग में इसका बाईसवां स्थान है समग्र रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पर लक्षद्वीप है छत्तीस पर छत्तीस नंबर पर है जबकि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम क्रमशः पैंतीसवें और चौंतीसवें है तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इसमें सबसे नीचे टॉप कौन कर रहा है आपका लक्षद्वीप है कौन सा लक्षद्वीप है अब बात करते हैं हम लोग भारत में पांचवा सबसे मूलवान शेयर बाजार दस मार्च 2022 को भारत बाज़ार पूंजीकरण के संदर्भ में दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है भारत ने यह उपलब्धि इंग्लैंड कनाडा और सऊदी अरब के शेयर बाजारों को पीछे छोड़ते हुए प्राप्त की है और मूल्य के संदर्भ में अब भारत से आगे केवल अमेरिका चीन और जापान और हांगकॉन्ग के का शेयर बाजार है ये आपको रैंकिंग दी गई है दुनिया शीर्ष शेयर बाजार का मूल ये अमेरिका टॉप पर है चौहत्तर ट्रिलियन डॉलर के साथ और चाइना दूसरे पर है ग्यारह ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान आप देखेंगे तीसरे पर है छह ट्रिलियन डॉलर के साथ हांगकॉन्ग चौथे पर है पांच दशमलव पचपन ट्रिलियन के साथ और भारत आप देखेंगे बत, तीन दशमलव इक्कीस के साथ ये पांचवें नंबर पर है कितने पांचवें नंबर पर है ठीक है ये भी याद रखिएगा महिलाओं की पूर्ण स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क ये कहा है आठ मार्च दो को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के को हैदराबाद तेलंगाना में महिलाओं की पूर्ण स्वामित्व वाला देश के पहले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया है सौ प्रतिशत महिला स्वामित्व वाले इस पार्क को फिक्की महिला संगठन तथा तेलंगाना सरकार की भागीदारी से स्थापित किया गया है इस पार्क का परिचालन आप देखेंगे पच्चीस हरित परियोजनाओं के साथ प्रारंभ किया गया है और महिला उद्यमियों हेतु दस प्रतिशत की सब्सिडी का प्रावधान भी है पचास एकड़ में फैला इस पार्क के निर्माण में कुल दो करोड़ रुपये का निवेश हुआ है कितना दो फिर आप देखें कच्चे कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन जनवरी 2022 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे स्टील का उत्पादन उत्पादन में चीन सीस पर बना हुआ है चाइना हमारा पड़ोसी है जो टॉप पर है उसके बाद भारत और तो जापान क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है यानी कि भारत दूसरे नंबर पर है ठीक है तीसरे पर जापान है डब्ल्यू द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे इस्पात का उत्पादन दो में एक दो स... में कितना 1950.5 मिलियन टन रहा जो 2020 में आप देखेंगे 20 की तुलना में तीन दशमलव सात प्रतिशत अधिक है और आप देखेंगे समय बढ़ता जा रहा है तो मांग भी बढ़ती जाती है और 2020 में अठारह दशमलव दशमलव चार मिलियन टन था दो हज़ार और 20 में वैश्विक स्तर पर कच्चा इस्पात उत्पादक सीस पाँच देश हैं ये आप देखिए 2020 का दिया गया ये 2021 का मिलियन टन में है और चाइना आप देखेंगे इसमें पहले पर है पिछले साल भी पहले पर था भारत दूसरे पर है और आप देखेंगे और इसमें आप देखेंगे कि भारत दूसरे पर है और जापान तीसरे पर है संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे चौथे पर रूस पाँचवें नंबर पर भारत दूसरे नंबर पर एक सौ मिलियन टन है और पिछले साल एक सौ दशमलव तीन मिलियन टन था चाइना आप देख रहे हैं और आप देखिए एक हजार बत्तीस कई गुना अधिक हम लोग से आगे है आपका क्या लीड्स रिपोर्ट 2021 हजार इक्कीस ए आठ नवंबर दो हजार इक्कीस को वाणिज्य एवं उद्योग उद्योग उपभोक्ता मामलों खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं वस्त्र वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लॉ लॉजिस्टिक्स इज सहिस्ता पर लीड्स रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया गया है लीड्स रिपोर्ट दो वाणिज्य विभाग भारत सरकार के निर्देशों के आधार पर आ, एंड यंग एल एल पी द्वारा तैयार किया गया है और रिपोर्ट का प्रथम संस्करण लीड्स दो हजार अठारह का निर्यात आयात व्यापार पर केंद्रित था और इसमें प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम की दक्षता का आकलन किया गया था क्या आकलन किया गया था जबकि दूसरे संस्करण लीड्स दो हजार उन्नीस में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों व्यापार को शामिल किया गया था वैकल्पिक रूप से सूचकांक का आधार तैयार करने के लिए कुल 21 सांकेतिक धारणाओं और वस्तुनिष्ठ चरों का सांख्यिकी विश्लेषण करते हुए निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है सेवा सर्विस और और संरचना विनियामक पर्यावरण रिपोर्ट में प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से राज्यों को तीन अलग अलग वर्गों राज्य उत्तर पूर्व उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालयी केंद्र शासित प्रदेश तथा अन्य केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है और लीड्स 2021 सूचकांक में गुजरात हरियाणा पंजाब क्रमशः टॉप पर बने हुए करने वाले राज्य हैं यानी कि गुजरात आपका टॉप पर है ठीक है उसके उसके बाद उसके बाद हरियाणा पंजाब उत्तर पूर्वी राज्यों हिमालयी केंद्र शासित क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर शीर्ष स्थान पर है और और इसके बाद आप देखेंगे क्रमशः सिक्किम मेघालय का स्थान आता है अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली टॉप पर है उसके बाद चंडीगढ़ का स्थान आता है उत्तर प्रदेश झारखंड उत्तराखंड में ने लीड्स 2019 रैंकिंग में की तुलना में अपने स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया है और एक शीश सुधारकर्ता के रूप में सामने आए हैं इन राज्यों का स्कोर आप क्रमशः देखेंगे दो में तीन दशमलव पच्चीस और तीन दशमलव जीरो नौ तीन दशमलव जीरो नौ रहा है और वर्तमान रिपोर्ट में राजस्थान मध्य प्रदेश बिहार का स्कोर क्रमशः टू पॉइंट नाइन सिक्स टू पॉइंट नाइन जीरो टू पॉइंट सेवन सेवन रहा है रैंकिंग से पुदुचेरी लद्दाख दमन द्वीप एवं दादरा तथा नागर हवेली अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को बाहर रखा गया इसमें अब बात करते हैं पी एम मित्र पार्क की क्या पी एम मित्र पार्क की

और आगे बढ़ाने में सहयोग सहायता प्रदान करेगा इस योजना के तहत विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीन फील्ड व ब्राउन फील्ड स्थलों पर सात पी एम मित पार्कों की स्थापना की जाएगी और इस योजना हेतु वर्ष दो हज़ार से सत्ताईस अट्ठाईस की अवधि के लिए चार हजार चार सौ पैंतालीस करोड़ रुपए का बजटीय ही परिवह निर्धारित है और इससे योजना का उद्देश्य वस्तु उद्योग की संपूर्ण मूल श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक अवसरचना सुविधा का विकास करना है ग्रीन फील्ड एवं ब्राउनफील्ड पीएम मित्त पार्क के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से विकास पूंजी सहायता का प्राविधान प्रावधान किया गया है और ग्रीन फील्ड पीएम मित्त पार्क के लिए पिति पार्क पांच सौ करोड़ रुपए की अधिकतम सहायता के साथ परियोजना लागत का तीस प्रतिशत की दर से विकास पूंजी सहायता का प्रावधान है ब्राउनफील्ड पीएम मित्र पार्क पार्क के लिए पिती पार्क 200 कितना 200 करोड़ 200 करोड़ रुपए की अधिकतम सहायता के साथ परियोजना का लागत 30, 30 दर की दर से डीसी DC, डीसीएस का प्रावधान है और पीएम मित्र पार्क में वस्त्र निर्माण इकाइयों की शीघ्र स्थापना के लिए भारत सरकार प्रत्येक पीएम मित्र पार्क के लिए तीन करोड़ रुपए की निधि भी प्रदान करेगी इस पिति स्पर्धि प्रोत्साहन सहायता के रूप में जाना जाएगा सी आई एस कॉम्पिटेटिवनेस इन सपोर्ट और फिर आ, आप अगली खबर आपकी है ए पी एफ सी को महारत्न का दर्जा दर्जा बारह अक्टूबर 2021 को भारत सरकार द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है और पी को महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद महारत्न कंपनियों की कुल संख्या ग्यारह हो गई है इसमें आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल शामिल है भारतीय पेट्रोल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बी शामिल है कोल इंडिया लिमिटेड सी शामिल है गेल इंडिया लिमिटेड गेल शामिल है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आई भी शामिल है एन लिमिटेड भी शामिल है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड भी शामिल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल है और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड भी शामिल है और वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या तेरह है और याद रखिए इससे पूर्व अक्टूबर 2019 में पीजीसीआईएल पीजीसीआईएल यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एच पी यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया था दो की बात है अब बात करते हैं भारत पर्यटन सांख्यिकी 2021 के बारे में सितंबर 2021 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत पर्यटन सांख्यिकी एक नज़र में 2021 नामक एक रिपोर्ट विकसित की गई है और पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 के दौरान भारत में दो दशमलव चौहत्तर मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ है जो माइनस दो माइनस चौहत्तर दशमलव नौ प्रतिशत वार्षिक यानी ऋणात्मक वृद्धि दर को प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना महामारी में लॉकडाउन लग चुका था कहाँ से लोग जाएंगे घूमने आएंगे कहाँ से घूमने और आप सभी को मालूम ही होगा क्या मालूम होगा कि पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में जी में काफी बड़ा योगदान देता है और इस अवधि के दौरान तीन मिलियन आदिवासी भारतीयों का भारत में आगमन हुआ जो माइनस अड़तालीस दशमलव छः प्रतिशत वार्षिक यानी या वृद्धि दर को दर्शा रहा है और इस प्रकार वर्ष 2020 के दौरान कुल छः दशमलव तैंतीस मिलियन विदेशी पर्यटन तथा अनिवासी भारतीय सहित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का भारत में आगमन हुआ जो माइनस चौहत्तर दशमलव सात प्रतिशत वार्षिक यानी ऋणात्मक वृद्धि दर को दर्शा रहा है सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है पर्यटन क्षेत्र को इससे जुड़े हुए कई क्षेत्र आप देखिए लोग जिसमें नौकरी कर रहे थे उनकी भी छुट्टी हो गई थी जैसे होटलों में आप देख लीजिए आप देखते एक जगह से दूसरी जगह वाहन भी तो ले जाते थे टैक्सी चालक हो गए और बहुत सारे 2020 के दौरान पर्यटन से पाँच पचास करोड़ रुपए और की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई जो माइनस छिहत्तर दशमलव तीन प्रतिशत ऋणात्मक वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है और इस रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा ए आप देखेंगे एक दशमलव उनसठ प्रतिशत है वर्ष 2020 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटन आगमन के स्रोत देशों में बांग्लादेश प्रथम स्थान पर आया जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर आया यूएसए और वर्ष 2020 के दौरान घरेलू पर्यटकों की हिस्सेदारी के नंबर पाँच राज्य क्रम से तमिलनाडु तेईस दशमलव जीरो परसेंट उत्तर प्रदेश चौदह दशमलव एक परसेंट कर्नाटक बारह दशमलव सात परसेंट आंध्र प्रदेश ग्यारह दशमलव छः परसेंट तेलंगाना छः दशमलव छः परसेंट और 2020 में विदेशी पर्यटकों के आगमन के संदर्भ में शीर्ष पाँच राज्य केंद्रशासित महाराष्ट्र अब सत्रह दशमलव छः तमिलनाडु सत्रह दशमलव एक उत्तर प्रदेश बारह दशमलव चार दिल्ली नौ दशमलव पाँच पश्चिम बंगाल छः दशमलव पाँच रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं सेरारा खोंग या हैती मिर्च तथा टामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग मिला है सितंबर 2021 में मणिपुर की विशेष मिर्च सेरारा खोंग हैती और टामेंगलोंग संतरे को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है इसकी घोषणा मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह द्वारा वन धन विकास केंद्र मेला 2021 के उद्घाटन के अवसर पर की गई है और मणिपुर के उखरूल जिले के सेरा राखोंग गांव में जैविक रूप से उगाई जाने वाली यह मिर्च अपने जीवंत रंग विशिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध है सेरारा खोंग या हैथी मिर्च राजा मिर्च जिसे स्थानीय भाषा में उमोरोक के रूप में से रूप में जाना जाता है के बाद मणिपुर में सर्वाधिक मांग वाली मिर्च है राजा मिर्च उमोरोक को विश्व की सबसे तेज गर्म मिर्च के रूप में जाना जाता है सेरारा खोंग हैथी मिर्च को स्थानीय लोग भगवान का उपहार भी मानते हैं यह मिर्च स्थानीय लोगों को में इतनी लोकप्रिय है कि इसे बढ़ावा देने हेतु तो वार्षिक उत्सव भी मनाया जाता है और स्थानीय स्तर पर मिर्च को समर्पित एक लोकगीत भी है जिसकी तुलना नागा जनजाति की एक बेशकीमती सॉल जिसे खोई लांग के नाम से जाना जाता है ऐसे की जाती है सेरारा खोंग या हैथी मिर्च एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है इससे उच्च कैल्शियम और विटामिन सी होता है इसमें और टामेंगलोंग संतरा जो अपने अम्लीय स्वाद तथा मिश्रित मिठास के लिए प्रसिद्ध है अधिकतर टामेंगलोंग जिले में पाया जाता है टामेंगलोंग जिले को मणिपुर का ऑरेंज ऑफ और बाउल भी कहा जाता है ये भी याद रखिएगा चलिए अब देखिए उभरते सितारे को इक्कीस अक्टूबर 2021 को वित्त एवं कार्बोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने निर्यात उन्मुख सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की कंपनियों की सहायता हेतु उभरते सितारे कोष का शुभारंभ किया है लखनऊ में उभरते सितारे कोष का गठन एग्जे एक एक्जेम बैंक और सिडवी बैंक द्वारा किया गया है उभरती सितारे कोष एक वैकल्पिक निवेश कोष है इस कोष का आकार 250 करोड़ रुपए है जिसमें 250 करोड़ रुपए का ग्रीन शू विकल्प भी शामिल है एग्जेम बैंक और सीडवी ने एक पाइपलाइन विकसित की है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की सौ से अधिक कंपनियाँ शामिल की गई हैं कितनी सौ से अधिक और इस योजना के अंतर्गत चिन्हित उन कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी जो वर्तमान में भले ही खराब प्रदर्शन कर रही हूँ लेकिन भविष्य में उनका अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता हो उनमें कांडला देश का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बना है कांडला छब्बीस जुलाई दो को कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्लेटिनियम रेटिंग प्रदान की गई है कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र मौजूदा शहरों के लिए आई बी ग्रीन सिटीज प्लेटिनियम रेटिंग हासिल करने वाला पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बना है इस आर्थिक क्षेत्र को सीआईआई कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन मास्टर प्लानिंग नीतिगत पहलों और हरित बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयित तो आई जी बी सी प्लेटिनियम प्लेटिनियम रेटिंग, रेटिंग प्रदान की गई है कांडला एस ई जेड के लिए यह रेटिंग इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि यह हरित क्षेत्र ऐसी जगह भुज जिले भुज क्षेत्र पर विकसित किया गया है जहा जल संरक्षण और नवीनीकरण महत्वपूर्ण कदम है और कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र देश का सबसे पुराना निर्यात जोन भी है फिर आप देखें कि ग्लोबल क्या ग्लोबल इको सिस्टम इंडेक्स दो हज़ार इक्कीस जून दो हजार इक्कीस में स्टार्टअप ब्लैंक द वैश्विक स्टार्टअप फारिस्थित की सूचकांक दो हज़ार इक्कीस जारी किया गया है स्टार्टअप ब्लैंक द्वारा वर्ष दो हज़ार सत्रह से यह रिपोर्ट जारी की जा रही है इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर सौ देशों और एक हजार शहरों को शामिल किया जाता है सूचकांक के लिए स्कोर की गणना निम्नलिखित तीन मानदंड मांद, गुणवत्ता मात्रा व्यावसायिक वातावरण के आधार पर की जाती है और शीस दस शहरों में अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को टॉप पर है जबकि भारत एकमात्र शहर बेंगलोर दसवें स्थान पर है शीर्ष दस में है तो ये भी याद रखिएगा और इस वर्ष की की सूची में भारत ने वर्ष दो की तुल अपनी रैंकिंग तेईसवीं में तीन पायदान का सुधार करते हुए बीसवीं रैंकिंग हासिल की है पिछले साल हम लोग तेईसवें नंबर पे थे, थे और वैश्विक स्टार्टअप वारिस्टिकी सूचकांक 2021 में पांच शीस हो गए पांच शहर हो गए अमेरिका टॉप पर है यूके दूसरे पर इजराइल तीसरे पर कनाडा चौथे पर और पाँचवें पर जर्मनी शहरों में देखें तो सैन फ्रांसिस्को यू का है ए पहले पर न्यूयॉर्क दूसरे पर बीजिंग चाइना का है तीसरे पर लॉस एंजल्स यू और पाँचवें पर लंदन ठीक है सूचकांक में शामिल बिश्स एक हज़ार शहरों में भारत के तैंतालीस शहर को तैंतालीस शहरों को स्थान मिला है भारत के तीन शहरों में बेंगलोर दसवें पर नई दिल्ली चौदहवें पर मुंबई सोलहवें को को सीस बीस में शामिल किया गया है बेंगलोर दस पर और नई दिल्ली दसवें चौदह पर मुंबई सोलहवें नंबर पर है चलिए अब हम लोग क्या करते हैं विदेशिक क्षेत्र भी देख लीजिए इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैश्विक पेशन पर विश्व बैंक की रिपोर्ट 2022 11 मई 2022 को विश्व बैंक द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ छत्तीस का नवीनतम संस्करण एवायर इन पैंडमिक इम्प्लीकेश ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस एंड कोविड 19 ऑन ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ माइग्रेशन एंड रिमिटेंस फिलो जारी किया गया रिपोर्ट के अनुसार 2022 में के दौरान निम्न और मध्यम अन्न मध्यम अन्न वाले देशों में चार दशमलव दो प्रतिशत की वृद्धि के साथ पेषण प्रवाह छः बिलियन डॉलर होने का पूर्वानुमान है और 2021 में आप देखेंगे आठ दशमलव छः प्रतिशत वृद्धि हुई थी जब पेशेंट प्रवाह बढ़कर छः मिलियन डॉलर हो गया था और दो में भारत को नवासी बिलियन डॉलर पेशेंट प्राप्त होने का अनुमान है और वैश्विक स्तर पर भारत का सबसे बड़ा फैशन प्राप्तकर्ता देश है इसके बाद आप देखेंगे मेस्को है चीन है फिलीपींस है मेस का स्थान आता है फिर तो आप देखेंगे भारत कोरोना महामारी का इसमें भी प्रभाव पड़ा है भारत का विदेशी ऋण दिसंबर अंत तक 2021 में इक्कीस इकतीस मार्च 2022 को वित्त मंत्रालय भारत सरकार की आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा दिसंबर दिसंबर अंत दो से संबंधित विदेशी ऋण के आंकड़े जारी किए गए दिसंबर अंत 2021 में भारत का विदेशी रेड छः दशमलव छः सौ चौदह दशमलव नौ बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है जो सितंबर 2021 की तुलना में एक ग्यारह दशमलव पाँच बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है आप <laughs> देख रहे हैं कि हम पर इतना कर्ज है एक तरह से रेड है हमारे ऊपर और जीडीपी की तुलना में बाहर रेड का अनुपात दिसंबर दो दिसंबर अंत तक दो में बीस रहा जबकि सेप्टंबर अंत तक दो का यह बीस था भारत की बाह्य रेट में वाणिज्यिक उधार उद्धार छत्तीस दशमलव छः छत्तीस दशमलव आठ प्रतिशत हिस्से के साथ विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा इसके पश्चात भारतीय आदिवासियों की जमाएँ तेईस दशमलव एक परसेंट अल्पकाल अल्पावधिक व्यापार ऋण अठारह परसेंट आप देखिए कि जो भारतीय लोग विदेशों में रहते हैं उनका भी तो जो पैसा भेजते हैं उन्हें देना होगा ना वो जमा करते हैं दिसंबर अंत दो में भारत के विदेशी ऋण में सबसे अधिक ऋण अमेरिकी डॉलर में रहा है बावन दशमलव जीरो परसेंट इसके पश्चात भारतीय जीरो आप देखेंगे क्या भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड तेरह सेप्टर दो हजार इक्कीस को विद्युत क्षेत्र के अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय निगम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 300 मिलियन यूरो का सात वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया गया है यह भारत की ओर से जारी होने वाला अब तक का पहला यूरो मूल का ग्रीन बॉन्ड है इसके अलावा यह किसी भारतीय एन वी द्वारा जारी किया गया पहला यूरो बॉन्ड है दो के बाद भारत से जारी किया गया पहला यूरो बॉन्ड है और इस इसी में बा बयासी खातों से भागीदारी के साथ पूरे एशिया और यूरोप के संस्थागत निवेशकों की मजबूती हिस्सेदारी हुई है इसे दो दशमलव पैंसठ गुना ओवर सब्सक्राइब किया गया है और अप्रैल 2021 में गाजियाबाद नगर निगम द्वारा देश का पहला हरित नगर निगम बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा नगर निगम है जिसके लिए द्वारा जारी बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुआ है लखनऊ पहले पर

बिटकॉइन को अपनाने के से अल सल्बाडोर में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद मिलेगी बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी यानी कि आवासीय मुद्रा है बिटकॉइन को डिजिटल वॉलेट के रूप में रखा जाता है और तथा तो मोबाइल ऐप के माध्यम से अभी गम बनाया जाता है अल सल्वाडोर में वॉलेट की कोचिओ कहा जाता है जिसका स्थानीय भाषा में कूल नाम है क्या है कूल नाम है एथेरियम और रेपल आदि टेक क्रिप्टो करेंसी के अन्य उदाहरण हैं इन्हें भी देखते रहिए आप लोग चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम को भी देख लीजिए ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर 2022 से 26 ए 10 मई 2022 को इंटर सोलर यूरो कॉन्फ्रेंस में जर्मनी में ग्लोबल मार्केट आउटलुकर फॉर सोलर, पा, सोलर पावर 2022 से 26 रिपोर्ट जारी की गई है रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक स्तर पर एक सौ सड़सठ सोलर क्षमता को ग्रेड से जोड़ा गया है जो विगत वर्ष की तुलना में इक्कीस दशमलव आप देखेंगे इक्कीस प्रतिशत अधिक है एक सौ उनतालीस दशमलव दो गीगावाट की तुलना में और इस प्रकार वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर कुल संचालित सौर ऊर्जा क्षमता नौ सौ चालीस गीगावाट हो गई है और वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे विगत एक वर्ष में स्थापित कुल नवीकरणीय ऊर्जा तीन सौ दो में छप्पन प्रतिशत यानी कि एक सौ अड़सठ गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं और आपने देखा है हमारी जब से नई सरकार आई हुई है ये भी नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान दे रही है इसके बावजूद भी वैश्विक स्तर पर कुल विद्युत खपत में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी मात्र चार परसेंट है जबकि सत्तर परसेंट प्रतिशत हिस्सेदारी अनवीकरण ऊर्जा स्रोत हैं इससे आप देखिए प्रदूषण ज़्यादा फैलता है हो एक लंबे समय तक नहीं चल सकता है जैसे कोयला कच्चा तेल हो गया इसे बनने में आप देखते हैं लंबा टाइम लगता है लेकिन खत्म होने में बहुत जल्दी ही हो जाता है वर्ष दो में शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 302 गीगावाट में शामिल अन्य स्रोत सोलर एक गीगावाट वायु तिरानबे गीगावाट हाइड्रो आप देखेंगे 25 गीगावाट बायोमास आप देखेंगे 10 गीगावाट और अन्य नवीकरणीय छः है गीगावाट हैं और इस प्रकार 2021 में वैश्विक स्तर पर चीन ने सर्वाधिक चौवन दशमलव नौ गीगाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना की है सत्ताईस दशमलव तीन गीगावाट के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है और चौदह दशमलव दो गीगावाट के साथ भारत तीसरे स्थान पर है और रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा स्थापित करने की मांग में वृद्धि हुई है यह वर्ष 2021 की तुलना में 36 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ दो गीगावाट हो गई है और 2023 में यह बढ़कर दो सौ गीगावाट और वर्ष 2025 में यह बढ़कर आप देखेंगे तीन गीगावाट हो गई है और दो तक सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता तीन गीगावाट दर्ज की गई है और दो में वैश्विक स्तर पर स्थापित कुल सौर ऊर्जा क्षमता पांच देश इसमें चीन तैंतीस संयुक्त राज्य अमेरिका तेरह जापान आपका आठ परसेंट जर्मनी छह परसेंट और भारत इसमें छह परसेंट हिस्सेदारी है अब हम लोग एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2022 देख लेते हैं 2022 और इसमें क्या कहा गया है अप्रैल 2022 में मनीला स्थित स्थित एशियाई विकास बैंक द्वारा एशियन डेवलपमेंट डेवलपमेंट आउटलुक 2022 जारी किया गया है और इस रिपोर्ट की थीम है मोबिलाइजिंग टैक्सेस फॉर डेवलपमेंट और रिपोर्ट के अनुसार विकासशील एशिया की जीडीपी जीडीपी वृद्धि दर 2022 के लिए पाँच दशमलव दो प्रतिशत अनुमानित है कितनी पाँच दशमलव दो प्रतिशत और आप देखेंगे कि वर्ष दो के लिए यह पाँच दशमलव तीन प्रतिशत अनुमानित है 2020 एवं 2021 में विकासशील एशिया की वृद्धि दर माँणस जीरो दशमलव आठ प्रतिशत और तथा 6.9 दशमलव नौ प्रतिशत रही है और आप देखेंगे चीन की जी डी वृद्धि दर वर्ष दो में पाँच पाँच प्रतिशत और वर्ष 2023 में चार दशमलव आठ प्रतिशत अनुमानित है जबकि 2020 एवं 21 में यह क्रमशः दो दशमलव दो प्रतिशत और आठ दशमलव एक प्रतिशत थी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया की जी डी दर में 2021 में आठ दशमलव तीन प्रतिशत और 2022 में सात दशमलव जीरो प्रतिशत अनुमानित थे जबकि 2020 में जीडीपी वृद्धि दर आप देखें माइनस पाँच दशमलव दो प्रतिशत थी कोरोना महामारी ने आप देखिए दुनिया भर पर प्रभाव पड़ा है इसका और आप देखेंगे ऐसा 2023 के लिए दक्षिण एशिया की जो जीडीपी है जीडीपी वृद्धि दर सात दशमलव चार प्रतिशत अनुमानित है और रिपोर्ट के अनुसार दो में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर आठ दशमलव नौ प्रतिशत अनुमानित है और आप देखेंगे कि वहीं 2022 हजार बाईस एवं तेईस के लिए क्रमशः सात दशमलव पाँच प्रतिशत और आठ प्रतिशत अनुमानित है जबकि 2022 में यह वृद्धि दर माइनस छह दशमलव छह प्रतिशत थी यानी कि माइनस में थी आप समझ रहे हैं माइनस का मतलब और एशियन डेवलपमेंट अब बात कर लेते हैं वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट की दो की और इसमें आप लोग देखें तो जनवरी 2022 में विकासित विश्व बैंक समूह की अर्धवास्तविक रिपोर्ट रिपोर्ट वैश्विक और आर्थिक संभावनाओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आठ दशमलव तीन प्रतिशत अनुमानित है जबकि अगले दो वर्षों 2022-23 के तेईस में इसके क्रमशः आठ दशमलव सात और छः दशमलव आठ प्रतिशत हो जाने का अनुमान है और 2019 एवं 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आप देखेंगे वृद्धि दर क्रमशः चार दशमलव चार प्रतिशत एवं माइनस सात दशमलव तीन प्रतिशत रही थी और नवी नई रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक विकास दर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत अनुमानित थी जबकि 2020 में यह माइनस तीन दशमलव चार प्रतिशत रही और वैश्विक विकास दर 2022 और 2023 के लिए क्रमशः चार दशमलव एक प्रतिशत और तीन दशमलव दो प्रतिशत प्रतिशत पुनर्नुमानित है और रिपोर्ट के अनुसार 2021 में इक्कीस में देशों में सर्वाधिक वृद्धि दर भारत की आठ दशमलव तीन प्रतिशत अनुमानित है उसके बाद क्रमशः चीन आठ दशमलव जीरो प्रतिशत ब्राजील में चार दशमलव नौ प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका में आप देखेंगे चार दशमलव छह प्रतिशत और रूस में आप देखेंगे चार दशमलव तीन प्रतिशत तो ये भी आप लोग याद रखिएगा उसके बाद आप देखेंगे क्या हुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट दो हजार इक्कीस ये अठारह फरवरी दो को हुन रिपोर्ट द्वारा हुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट दो का द्वितीय संस्करण जारी किया गया है और इस रिपोर्ट के साथ ही हुरन इंडिया लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2021 का द्वितीय संस्करण भी जारी किया गया है और हरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा उन 350 भारतीय करोड़पतियों का सर्वेक्षण किया गया है जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति एक मिलियन अमेरिकी डॉलर सात करोड़ रुपये है जिन भारतीयों की व्यक्तिगत संपत्ति एक मिलियन अमेरिकी डॉलर है उन्हें करोड़पति के रूप में परिभाषित किया गया है आप लोग भी तो कह देते हैं करोड़पति है वो 350 करोड़पतियों में से बारह प्रतिशत यानी कि 42 करोड़पति ऐसे करोड़पति हैं जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति 100 करोड़ रुपए है और उन्हें सुपर रिच की संख्या दी गई है और इन अरबपतियों की औसत संपत्ति छः दशमलव सात छः दशमलव सात मिलियन कितना छः दशमलव सात मिलियन अमेरिकी डॉलर है और इनकी औसत आयु आप देखेंगे पैंतीस वर्ष है जो पिछले वर्ष की तुलना में तुलना में एक वर्ष अधिक है इस वर्ष की अरभपतियों में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात आठ अनुपात दो है और देश में सर्वाधिक करोड़पति परिवार सात करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति वाल की संख्या मुंबई में है मुंबई को करोड़पतियों की राजधानी भी कहा जाता है वित्तीय राजधानी भी तो आप लोग मुंबई को कहते हैं और महिलाओं के साथ देखिए हर क्षेत्र में भेदभाव है यहाँ आठ अनुपातें दो आप देख रहे हैं अब आप देखेंगे वैश्विक आर्थिक आउटलुक आउटलुक अप्रैल दो और इसमें अगर आप देखें तो अप्रैल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आई द्वारा अपनी अद्यतन रिपोर्ट विश्व आर्थिक आउटलुक अप्रैल 2022 जारी की गई है और इस रिपोर्ट का शीर्षक रहा है वार शेड्स बैक द ग्लोबल रिकवरी रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर वर्ष 2021 के लिए आठ दशमलव नौ प्रतिशत दर्ज की गई है जबकि 2022 एवं 23 के लिए आप देखेंगे 22 और 23 के लिए क्रमशः आठ दशमलव दो प्रतिशत और छः दशमलव नौ प्रतिशत पूर्व अनुमानित है तो ये भी याद रखिएगा क्या याद रखिएगा और 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर छः दशमलव एक प्रतिशत दर्ज की गई जबकि 2022 और 23 के लिए दोनों वर्षों के लिए तीन दशमलव छः प्रतिशत पूरा अनुमानित है फिर आप देखेंगे भारत में सबसे मूल्यवान हस्तियाँ और आप सभी जानते हैं मूल्यवान यानी कि और 30 मार्च 2022 को डफ एंड फ्लैप्स क्रॉल बिजनेस द्वारा सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूशन स्टडी रिपोर्ट जारी की गई है और रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली एक मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार पाँचवें वर्ष सीस पर रहे हैं टॉप पर रहे हैं एक तरह से और वहीं अभिनेता रणवीर सिंह ये आप देखेंगे एक सौ बिलियन डॉलर के ब्रांड के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं वैल्यू में अक्षय कुमार एक मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे स्थान पर हैं विराट कोहली ऊपर हैं जबकि आलिया भट्ट आप देखेंगे 2021 में अड़सठ दशमलव एक मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर सूची में सबसे मूल्यवान महिला रही हैं तो इन पॉइंटों में हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें फिर आप देखिए वैश्विक आर्थिक आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट मध्य दो हजार बाईस जनवरी दो को संयुक्त राष्ट्र द्वारा रिपोर्ट विश्व आर्थिक स्थिरता एवं संभावनाओं 2022 में वर्ष 2021 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत अनुमानित किया गया जबकि इसी अवधि में भारत की जीडीपी वृद्धि दर नौ प्रतिशत कितनी नौ प्रतिशत अनुमानित है और विश्व उत्पादन एवं सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर दो हज़ार में आप देखिए ये अर्थव्यवस्था हो गई और वार्षिक परिवर्तन प्रतिशत में है दो ये आप देखेंगे दो ये विश्व की हो गई दो हज़ार बीस में दो हज़ार इक्कीस में और दो हज़ार बाईस में और आप देखेंगे दो हज़ार तेईस में तो विश्व की माइनस तीन पॉइंट चार रही और आप सभी को मालूम ही होगा क्या मालूम होगा कि कोरोना महामारी रही थी फिर वर्ष दो हज़ार इक्कीस में पाँच दशमलव पाँच और दो हज़ार बाईस में चार दशमलव जीरो और वर्ष 2023 में तीन दशमलव पाँच विकसित अर्थव्यवस्था कोरोना टाइम में इन्हें सबसे ज्यादा झटका लगा था चार दशम माइनस चार दशमलव आठ फिर वृद्धि दो हज़ार इक्कीस में चार दशमलव आठ तीन दशमलव सात दो दशमलव पाँच अमेरिका जैसे को झटका लगा था देखिए चाइना फायदे में रहा देखिए माइनस में नहीं गई चाइना की माइनस टू पॉइंट थ्री फिर आप देखें सात दशमलव आठ पाँच दशमलव दो पाँच दशमलव पाँच आप देख रहे हैं कोरोना महामारी ने दुनिया भर को प्रभावित किया लेकिन किसे छोड़ दिया चाइना छूट गया इससे भारत की देखिए माइनस सात दशमलव एक फिर नौ दशमलव जीरो फिर आप देखेंगे कि छह दशमलव सात छह दशमलव एक ए का मतलब देखिए ए यह यहाँ लगा हुआ है ना अनुमान है और बी का मतलब होता है पूरअमान ठीक है तो ये आप लोग छोटी छोटी बातें हैं इसीलिए कहते हैं आप लोगों से कि एन सी पढ़ लिया करिएगा आपका बेस मजबूत होना चाहिए ठीक है फिर आप देखेंगे आई आई एफ एल वेल्थ ह्यूर इंडिया रिच लिस्ट 2021 हजार आई हुई है तीस सितंबर 2021 को हूरन इंडिया तथा आई आई एफ एल वेल्थ सूची में वेल्थ ने संयुक्त रूप से भारतीय अमीरों की दसवीं सूची जारी की है कौन से नंबर की दसवीं सूची जारी की है और इस सूची में 107 व्यक्तियों को स्थान मिला है जो पिछले वर्ष की तुलना में एक अधिक हैं अधिक कि कितने एक अधिक हैं और आप देखेंगे कि इस सूची में उन्हीं अमीरों को स्थान दिया गया जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ रुपये से कितना? एक हजार करोड़ रुपए और आप देखेंगे सात कितना करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी चौसठ वर्ष के हैं लगातार दसवें वर्ष सबसे अमीर भारतीय घोषित किए गए सात लाख अठारह हजार समझ रहे हैं आप लोग और आई आई एफ एल वेल्थ हुआ लिस्ट दो हजार इक्कीस में शीर्ष पांच अमीर मुकेश अंबानी एवं परिवार सात लाख आप देखें अठारह हजार रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं आप सभी जानते भी होंगे मुंबई गौतम अडानी परिवार ये पाँच लाख आप देखें पाँच हज़ार नौ सौ करोड़ रुपए के साथ अडानी समूह के हैं अहमदाबाद के शिव नाडर एवं परिवार दो लाख छत्तीस हज़ार छः सौ करोड़ एस नई दिल्ली एस पी हिंदुजा एवं परिवार ये आप देखेंगे दो लाख बीस हजार हिंदुजा लंदन एल एन मित्तल परिवार ये आप देखेंगे एक लाख चौहत्तर हज़ार चार सौ आर सी एलर मित्तल लंदन तो ये आप लोग छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें नहीं आप लोग याद रख सकते हैं OECD OECD आर्थिक हजार 2021 इसमें आप देखेंगे कि क्या देखेंगे कि 21 सितंबर 2021 इक्कीस OECD दो हजार इक्कीस को अंतरिम रिपोर्ट 2021 को प्रकाशित किया गया है अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार 2021 एवं 2022 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर क्रमशः पांच दशमलव सात प्रतिशत चार दशमलव पांच प्रतिशत अनुमानित है और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर आप देखेंगे परसेंट में निम्न है इस तरह से आप नीचे दिया गया है ये विश्व वास्तविक जी डी पी हो गई 2020, 2021, 2022 तो इन्हें आप लोग क्रम से याद रखिएगा विश्व की आप देखेंगे 2020 में माइनस रही थी माइनस तीन दशमलव चार दो में पाँच दशमलव सात की वृद्धि और चार दशमलव पाँच की वृद्धि 2022 में और फिर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सबकी आप देखिए लेकिन चाइना देख रहे हैं आप लोग प्लस में रहा था इसमें भारत की देख लीजिए माइनस सात दशमलव सात दशमलव तीन और फिर वृद्धि देखी गई फिर वृद्धि सात दशमलव नौ की ए इक्कीस की सात नौ दशमलव सात और दो हजार बाईस में सात दशमलव नौ तो ये पॉइंट आप लोग अगर याद रख सकते हैं तो सभी के बारे में याद रखिएगा अब वैश्विक सूचकांक देख लीजिए इनसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पक्का पूछे जाएंगे अरबपतियों की फो, फोर्स सूची दो हजार फोर्स सूची दो हजार बाईस जारी की गई है इसमें क्या कहा गया है अप्रैल 2022 में 36 वार्षिक

डॉलर की संपत्ति के साथ वर्नार्ड अर्नार्ड एंड फैमिली आप देखेंगे कि तीसरे स्थान पर रही है कि, कितने तीसरे स्थान पर रही है अरबतियों की सूची में विश्व की सबसे धनी महिला फैंकोइस वेटन कोट मेयर एंड फैमिली है और चौहत्तर दशमलव आठ बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ समग्र रूप से चौदहवें स्थान पर है फोर्स और अरपतियों की सूची 2022 में सर्वाधिक अमीर भारतीय मुकेश अंबानी है नब्बे बिलियन डॉलर के साथ संपत्ति के साथ दसवें नंबर पर हैं

वही अमेरिका में अरबपतियों की संख्या सात सौ सो सत्तर सोलह है सात सौ सो सोलह और चीन व अमेरिका में संयुक्त रूप से विश्व के तीन हजार तीन सौ इक्यासी अरबपति अरबपति हैं पचपन प्रतिशत अरबपति हैं चा, चाइना और आप देखिए कि कहाँ मिलाकर चाइना और चाइना और अमेरिका को मिलाकर दो सौ पंद्रह के साथ भारत तीसरे स्थान पर है इसमें सर्वाधिक अरबपतियों वाला शहर बीजिंग रहा है जहाँ कुल एक सौ चवालीस अरबपति लोग रहते हैं विश्व के पांच देख लीजिए एलन मस्क टेस्ला के हैं यूएसए से जैब बेजोस अमेजन के यूएसए वर्नार्ड अर्नाल्ड एल वी एम एच फ्रांस के बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट यूएसए वार एन वफेट वर्कशायर हैथवे ये आप देखें यूएसए के तो आप देख रहे हैं यूएसए टॉप पर बना हुआ है और वैसे ही शक्तिशाली देश नहीं कहा जाता है यूएसए को होरन ग्लोबल होरन ग्लोबल रिस्ट लिस्ट 2022 में भारत के कुल 215 अरबपतियों को सूचीबद्ध किया गया है जो विगत वर्ष से 38% देखें रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी इस सूची में शीर्ष 10 में यानी कि नौवें स्थान पर जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय हैं ठीक है होरन वैश्विक गजल सूचकांक 2021 ये क्या कह रहा है ये कह रहा है 25 जनवरी 2022 को होरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हुरन वैश्विक गजल सूचकांक 2021 जारी किया गया और वैश्विक गजल सूचकांक 2021 ऐसे स्टार्टअप की सूची है जिसकी स्थापना 2000 के दशक में हुई थी इनकी कीमत 500 मिलियन डॉलर से अधिक है लेकिन अभी भी सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है और इनमें आप देखेंगे कि इन गजल्स में कि यूनिक यूनिकॉर्न बनने की अधिक संभावना है और अगले तीन वर्षों में इनकी कीमत एक बिलियन अमेरिकी 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 डॉलर होगी इनकी और यही पहली बार है कि जब हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वैश्विक स्तर पर हुरोन गजल सूचकांक जारी किया है और हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट को विश्व के 30 देशों के एक शहरों में 525 गजल प्राप्त हुए हैं और इसमें आप देख लीजिए विश्व के पांच गजल्स वाले देश अमेरिका 201 के साथ टॉप पर चीन एक, एक भारत देखिए उनतीस के साथ तीसरे यूनाइटेड किंगडम छब्बीस के साथ चौथे जर्मनी पाँच पंद्रहवें पंद्रह पाँचवें है विश्व में गजल के संदर्भ में पाँच शहर देख लीजिए सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का उनसठ के साथ पहले पर शंघाई चीन चंगवन के साथ दूसरे पर और आप देखेंगे बीजिंग चीन उनतालीसवें न्यूयॉर्क अमेरिका छत्तीस के साथ चौथे लंदन यूके के पाँचवें पर है शहरों में सरान सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का है और अमेरिका वैसे भी टॉप में है विश्व के बीस रैंकिंग वाले देशों की सूची में भारत 29 गजल के साथ तीसरे स्थान पर है और विश्व के बीस रैंकिंग वाले शहरों की सूची में भारत का बेंगलोर चौदह गजल के साथ सातवें स्थान पर है। जबकि मुंबई 6 गजल के साथ सत्रहवें स्थान पर है भारत के परिप्रेक्ष्य में जरूर इन्हें याद रखा करिएगा महाद्वीप के आधार पर महाद्वीप के आधार पर गजल की रैंकिंग देखें तो एशिया 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 सर्वाधिक गजल के साथ पर है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका उनतालीस और यूरोप सोलह स्थान स... है? का सबसे सफल गजल नि इंडिया रिच लिस्ट जारी की गई है 2021 इसमें क्या क्या गया अक्टूबर 2021 में फोर्स द्वारा स्व भारतीय कि सूची की लिस्ट सूची की गई है 2021। के मामले में ये आप लोग जरूर याद रखिएगा और रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी बानवे दशमलव सात बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ पुनः सर्वाधिक धनी भारतीय बने हैं गौतम आरानी चौहत्तर दशमलव आठ मिलियन डॉलर दूसरे और शिव नाडर इकतीस बिलियन डॉलर के साथ तीसरे सर्वाधिक धनी भारतीय बने हैं राधा कृष्ण दमानी एंड फैमिली उनतीस बिलियन डॉलर के साथ चौथे स्थान पर साइरस पूनावाला उन्नीस बिलियन डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर हैं तो ये छोटी बातें हैं याद रख सकते हैं बाइजू रविंदन इकतालीस दशमलव जीरो मिलियन डॉलर के साथ सबसे कम उम्र के सर्वाधिक धनी भारतीय के साथ जिंदल धनी हैं। आप देखेंगे कि आपकी ग्लोबल फाइव हंड्रेड दो हजार जारी की गई है अगस्त 2021 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून ने विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची जारी की है और विश्व की पाँच सबसे बड़ी कंपनियां की इस सूची में प्रसिद्ध अमेरिकी रिटेल कंपनी वालमार्ट को शीर्ष स्थान मिला है यानी कि टॉप पर बनी हुई है और 2000 इस सूची में शामिल विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों के राजस्व राजस्व में कमी दर्ज की गई है और 2000 सन 2020 में तैंतीस दशमलव तीन ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद 2021 में इन कंपनियों की कुल राजस्व चार दशमलव आठ प्रतिशत की गिरावट के साथ इकतीस दशमलव सात ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचा है और याद रहे कि फॉर्च्यून ग्लोबल फाइव हंड्रेड की सूची में भारत की सात कंपनियां शामिल है जिसमें रिलायंस रेलाएं इंडस्ट्रीज सीज पर है टॉप पर बनी हुई है और फॉर्चून ग्लोबल फाइव हंड्रेड दो हजार इक्कीस में आप देखेंगे तो ये रैंकिंग हो गई भारतीय कंपनियाँ और राजस्व इनका रिलायंस एक नंबर पर है ये आप देखेंगे बासठ मिलियन के साथ और दो नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है दो नंबर पर इंडिया ऑयल है दो नंबर पर ऑयल एंड नेचुरल गैस है तीन नंबर पर आप देखें राजेश एक्सपोर्ट्स है दो सौ तीन सौ सत्तावन नंबर पर टाटा मोटर्स है दो तीन सौ चौरानवे नंबर पर आप देखेंगे भारत पेट्रोलियम है कौन सी भारत पेट्रोलियम अब देख लीजिए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया है और इसमें आप देखेंगे जून 2021 में जून 2021 में चैरिटेज एंड फाउंडेशन द्वारा द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 का ग्यारहवा संस्करण जारी किया गया है ग्यारहवा संस्करण यह है ठीक है ये भी आप लोग याद रखिएगा और आप देखेंगे कि, कि ग्यारहवें संस्करण का नाम वैश्विक महामारी विशेष रिपोर्ट नाम दिया गया है इसका और एक यह एक वैश्विक सर्वेक्षण जो निम्न तीन प्रश्नों पर आधारित है अजनबी की मदद चैरिटी के लिए दान संगठन के लिए स्वेच्छा से समय समय देना और डब्ल्यू जी आई दो हज़ार इक्कीस के अनुसार कोविड नाइन्टीन महामारी ने विश्व भर में दान के चलन को भी और बढ़ावा दिया है एक तरह से दो हज़ार अठारह की भांति इस वर्ष भी इंडोनेशिया सूची में टॉप स्थान पर है इंडोनेशिया के दस में से न्यूनतम आठ लोगों ने दान दिया है और यूएसए यूनाइटेड किंगडम कनाडा आयरलैंड और नीदरलैंड जो कि विगत वर्षों की सूचकांक में शीर्ष में दस शामिल रहते थे इस बार दस शामिल दस में शामिल नहीं हैं और जबकि ना जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने शीर्ष दस में अपनी रैंकिंग बनाए रखी है जबकि नाइजीरिया घाना युगांडा कोसोवो जैसे निम्न आए वाले शीर्ष सीज देश शीर्ष दस में शामिल हुए हैं और आप देखें डब्ल्यू जी आई दो हज़ार इक्कीस में विरस्त देशों में केवल भारत चौदहवें स्थान पर मिला है यानी कि बीस में शामिल है टॉप बीस में और 2021 की डब्ल्यू रैंकिंग में अंतिम चार देश जापान पुर्तगाल बेल्जियम इटली है और जिसकी रैंकिंग क्रमशः एक सौ चौदहवीं एक सौ तेरहवीं एक सौ बारहवीं और एक सौ ग्यारहवीं है तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी मोटी बातें हैं वैश्विक कैप्टो स्वीकारता सूचकांक दो जारी किया गया है ए चाइनालिस अगस्त दो में ब्लॉक डेटा प्लेटफॉर्म चाइनालिस द्वारा वैश्विक क्रिप्टो स्वीकारता सूचकांक 2021 का संक्षिप्त संस्करण जारी किया गया है और आप देखेंगे इस सूच इसका पूर्ण संस्करण अक्टूबर 2021 में जारी किया जाएगा सूचकांक में इस द्वितीय संस्करण में एक देशों को शामिल किया गया कितना एक और इससे पूर्व आप देखेंगे वर्ष 2020 में पहला संस्करण प्रकाशित हुआ और यह सूचकांक जुलाई जुलाई यह सूचकांक इससे पूर्व 2020 में पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था यह सूचकांक जुलाई 2020 से दो जून 2021 के मध्य की अवधि में क्रिप्टो करेंसी की स्वीकारता का विश्लेषण करता है एक तरह से बताता है इसमें ठीक है और उपयुक्त अवधि में वैश्विक स्तर पर विगत वर्षों के मुकाबले क्रिप्टो करेंसी स्वीकारता में आठ सौ अस्सी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है इस सूचकांक में भारत जीरो दशमलव सैंतीस स्कोर के साथ क्रिप्टो करेंसी अपनाने की उच्चतर दब वाले 20 देशों की सूची में दूसरे स्थान पर है और जबकि पहले स्थान पर वियतनाम और तीसरे चौथे स्थान पर क्रमशः आप देखेंगे पाकिस्तान यूक्रेन है इस सूचकांक में यूएसए और चीन का स्थान क्रमशः आठवा और तेरहवा है अपने को जरूर याद रखा करिएगा हम लोग कौन स्थान पर बने हुए कुछ और पॉइंट है इन्हें भी याद रख लीजिएगा और बारह मई दो हजार को बाईस को फोर्स द्वारा होप्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाली एथलीट 2022 में सूची में स्थान पर है लियोनेस मिसी 130 मिलियन डॉलर के साथ और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है ये आप देखेंगे दिसंबर 2024 तक किसने विश्व के पहली कैप्टो समर्पित भुगतान कार्ड लॉन्च को लॉन्च किया नेक्सो और मास्टर कार्ड ने और आप देखेंगे कि ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेट रेटिंग्स में किस नेता ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन जारी करता है मॉर्निंग कंसल्ट ह्यूरोन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट दो में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया साइरस पूनावाला ने छब्बीस मिलियन डॉलर के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च भारत के प्रथम डेयरी समुदाय रेडियो स्टेशन का नाम क्या है दूधवाड़ी और पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है डाबर इंडिया डाबर ने किस राज्य में पर्यावरण बचाव अभियान शुरू करने की घोषणा की है हिमाचल प्रदेश नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तो किस कार्यक्रम की शुरुआत की है जीवा कौन सी जीवा जीवा जीवा, जीवा नाबार्ड किस कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का सम्मेलन है वाटर सेट कार्यक्रम क्रिसेल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2023 के लिए कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है ए आप देखेंगे सात दशमलव आठ प्रतिशत श्रीलंका ने मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने हेतु तो किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत आप देखिए बुरी स्थिति में भारत ही संघ देता है किस देश ने संघीय कारपोरेट कर्फ्यू शुरू करने की घोषणा की है संयुक्त अरब अमीरात किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया कर्नाटक बैंक यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है भारतीय उद्योग परिसंघ प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना संपदा योजना की अवधि को दो हज़ार से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है तो ये आप देखेंगे 2025-26 तक मार्च 2026 तक ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स इंडेक्स दो किसने विकासित किया है सेल्स फोर्स ने इस इंडेक्स में सीस कौन रहा है भारत किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है एच डी एफ सी बैंक और स्पाइस बोर्ड इंडिया ने बोर्ड इंडिया ने आगे आप देखेंगे खीरे और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश बना है भारत और आप देखें निफ्टी इंडिया डिफरेंस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया है एन एस इंडी ने प्रथम बेसिफिक साइबर सुरक्षा आउटलुक आउटलुक रिपोर्ट 2022 में किसने जारी की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ प्रस्तावित है दावोस किलोस्टर्स किलो स्विट्जरलैंड में इसकी थीम क्या निर्धारित दिखेगी वर्किंग टूगेदर रीस्टोरिंग ट्रस्ट किस देश ने देश ने विश्व आर्थिक फोरम दावोस दावो से पी थ्री मूवमेंट का प्रस्ताव रखा है भारत ने इंडिया ने पी थ्री मूवमेंट क्या है पीपल किसके किसके अनुसार भारत 2026 तक एथेनॉल मांग के संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईई ए के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल फॉर्म मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन दो हजार आयोजित हुआ है ए हैदराबाद में केंद्र ने सोया मिल को आवश्यक आवश्यक वस्तु घोषित किया है तीस जून दो तक किसने डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू की है इंडिया पेमेंट पोस्ट पेमेंट बैंक और एन सी ने सीमा पार सौदों के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता को किसने अनिवार्य किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने कानूनी इकाई पहचानकर्ता क्या है बीस बार अंकीय संख्या है और कानूनी इकाई पहचानकर्ता हेतु पात्रता है पचास करोड़ रुपया उससे अधिक पूंजी के सीमा पार सौदे और आत्मनिर्भरता भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष तीन राज्य कौन से क्रम से आप देखेंगे इसमें आपका महाराष्ट्र है गुजरात है कर्नाटक है भारत में कुल पंजीकृत ई वी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक वाहन में शीर्ष स्थान पर कौन सा है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के बाद पंजीकृत ई ई में इलेक्ट्रॉनिक वाहन में शीर्ष स्थान दिल्ली का आता है फिर कर्नाटक बिहार महाराष्ट्र का आता है फिर किस देश ने तीथर कैप्टो करेंसी का उपयोग को मंजूरी दी है म्यांमार ने प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना के क्रियान्वयन कि को कब तक के लिए मंजूरी दी गई है वर्ष 2021 से 26 के लिए एंड ए 2021 नामक रिपोर्ट का विमोचन किसके द्वारा किया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आर ने किस बैंक को अपत्यक्ष कर एकत्रित करने के लिए अधिकृत किया है आई बैंक ने और हाल ही में चर्चा में रही दुर्लभ चाय मनोहरी गोल्ड टी का संबंध किस राज्य से असम से तो ये कहानी रही है किसकी आपकी आर्थिक क्षेत्र देख लिया आप लोगों ने क्या देख लिया आर्थिक क्षेत्र देख चुके हैं आप लोग और इसमें आर्थिक परिदृश्य जो भी राय केंद्रीय बजट हो फिर चाहे आप देखिए आर्थिक समीक्षा हो अभी तक हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य भी देख चुके हैं और आपने देखा होगा विधिक परिदृश्य अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य आर्थिक परिदृश्य अगली क्लास में हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य पर बात करेंगे और विस्तार से उसके बारे में भी बात करेंगे आप लोग जुड़े रहिए आपकी कोई शिकायत हो कुछ सुझाव हो तो आप सब कुछ बता सकते हैं और मेहनत करते रहिए थोड़ी ठीक है हम लोग मिलते हैं